हाँ बच्चों कैसे हो तो आज दंगल नंबर नाइन है टोटल जो दस दंगल है उनमें से है ना आई होप आपका अच्छा पेपर गया होगा फिर भी कोई डाउट रहा है तो हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं ना ऐसे ही बाकी के पीछे के भी जो भी दंगल हुए हैं उनके सारे डाउट्स जो हैं आप लोग वीडियो सोल्यूशन अपलोडेड है उनके माध्यम से या फिर डाउट काउंटर के थ्रू आप लोग जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें जिससे नीट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा ठीक है तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन जो है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन था और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रोंगली मेजड है ना इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत रूप से मिलान किया गया है ना रॉन्ग पूछ रहा है तो देखते हैं एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन जिसके अंदर uh, जो मेल है वो हैट्रोगेमेटिक होता है और ये जो है वो इंसेक्ट के अंदर देखा गया है ग्रास हो है ना इसके अंदर uh, जो मेल है उसके uh, जो 50 परसेंट जो गेमेट्स हैं उसके अंदर केवल ऑटोसोम होता है और 50 परसेंट जो है उसमें ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोजोम भी होता है ना तो ये वाला तो यहाँ पर करेक्टली मेज्ड ऑप्शन है ना uh, एक्सओ प्रकार का लिंग निर्धारण और सामने उसके टिड्डा नेक्स्ट है एलोसोम और वो हो गया सेक्स क्रोमोजोम आप लोग जानते हो दो प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं ऑटोसोम और एलोजोम ऑटोसोम जो है वो सोमेटिक क्रोमोजोम है जो हमारे सोमेटिक सेल्स के करेक्ट्रिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं एलोजोम जो वो सेक्स क्रोमोजोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व है इसके अलावा सेक्स क्रोमोजोम पे कुछ अदर जीन भी प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी की अदर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं तो एलोजोम जो वो सेक्स क्रोमोजोम हो गया जैसे एक्स एक्स कंडीशन फीमेल में होती है एक्स वाई कंडीशन मेल में होती है पनेड स्क्वायर आर्ट सी पनेड के रेस्पेक्ट में जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये भी आ, करेक्ट यहाँ पर मैच है जो जिसमें गोटोजोनोसिस के दौरान अलग अलग प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जयगोटिक कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट किया जाता है और शटन जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिंकेज को मैच किया गया जो कि यहाँ पर एक इनकरेक्ट मेस्ट है जो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लिंकेज के रेस्पेक्ट में मॉर्गन जो है उनका रोल है तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो गया इनकरेक्टली मेस्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा फॉर ठीक है चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है अपूर्ण प्रभाविता के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये जो क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या पूछा है कि इन एंट्री हाइनम नम वेन पिंक फ्लावर वर सेल्व्ड द एफ टू जनरेशन शो वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर और उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके अंदर इस प्लांट के रेस्पेक्ट में आप लोग जानते हैं कि जो रेड फ्लावर प्लांट है उसका जब वाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस कराया जाता है तो रेड वाला जैसे जिनों है कैपिटल आर कैपिटल आर व्हाइट के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर तो इससे जो एफ़ वन आएगी तो एफ वन जो है जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे पिंक फ्लावर प्लांट पिंक वाले होंगे और जब यहाँ पर क्या पूछा है वन पिंक फ्लावर वर सेल्फ है ना मतलब जब एफ़ में सेल्फिंग होगी एफ़ में सेल्फिंग का मतलब है कि यहाँ पे इस तरीके से चार टाइप के आपके पास कॉम्बिनेशन आए या मान लो फी मेल गेमेट हो गए ये मेल गेमेट हो गए तो कैप्टल आर कैप्टल आर मतलब वन बाई फोर जो है वो रेड फ्लावर प्लांट होंगे कैप्टल आर स्मॉल आर एंड कैप्टल आर स्मॉल आर वन बाई टू पिंक फ्लावर प्लांट होंगे एंड स्मॉल आर स्मॉल आर मतलब वन बाई फोर जो है वो वाइट फ्लावर प्लांट होंगे तो वन बाई फोर तो आपका यहाँ पर क्या हो गया रेड फ्लावर प्लांट एंड वन बाई टू जो है वह यहां पर आपका हो गया पिंक और वन बाई फोर जो है वह कौन सा हो गया वन बाई फोर वाइट है ना तो हमें इसी पे बेस्ड करेक्ट ऑप्शन जो उसको फाइंड आउट करना ना, है ना इसके ऊपर आधारित सही जो कथन है तो जैसे पहला है कि रेशियो ऑफ एफ टू इज वन बाई फोर पिंक वन बाई फोर पिंक नहीं है वन बाई फोर तो रेड और वाइट है थिंक तो वन बाई टू है ना इसलिए ये स्टेटमेंट यहीं पर रोंग हो गया टू बाई फोर या वन बाई टू रेड नहीं है वो तो वन बाई फोर है हाँ ये तो चलो ठीक है वन बाई फोर वाइट है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रोंग हो गया अगला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट सेग्रीगेशन का जो लॉ है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखें कि आ, अगर डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है और जैसे ये गेमेड बनाएगा तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम जब अलग होंगे तो ये दोनों जो एले है वो अलग हो रहे हैं यहाँ पर भी एफ वन वाला जो इंडिविजुअल है जब इसमें सेल्फिंग की गई तो कैपिटल कैप्टल स्मॉल मोलार भी यहाँ पर जब होमोलोगस क्रोमोजोम अलग होगा तो दोनों एल एल जो अलग हो जाते हैं तो सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो तो अप्लाई हो रहा है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है और अपने को यहाँ पर पूछा भी क्या गया था करेक्ट पूछा जा रहा है इसका मतलब बाकी की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए तो कैसे हैं वो भी देख लेते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट डज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस नहीं डज नॉट ये डोमिनेंस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करता उसी का एक्सेप्शन है ये है ना अगर फॉलो करता तो एफ भी तो रेड होना था इसकी तरह लेकिन वो तो पिंक है इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो गया रॉन्ग फोर्थ ऑप्शन देखें रेड कलर इन एफ टू इज ड्यू टू इनकम्प्लीट में जो पिंक कलर है ये वाला देखो F1 में पिंक कलर डोमिनेंस का एग्जाम्पल है कि रेड कलर समझ रहे हो तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो गया रॉन्ग तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर सेकेंड ठीक है बेटा आओ आगे चलते हैं <coughs> वन जीरो थ्री क्वेश्चन में देखें और इसमें आपको इन करेक्ट मैच जो है उसको फाइंड आउट करना है पीके यू फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सही स्टेटमेंट है ना आ, इसके अंदर फिलाइन एलेलिन एंजाइम को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो जाता है जिससे फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं होता है और ऐसे में टायरोसिन की कमी पे पे न, एपिनेफरिन, एपिनेफरिन की वजह से मिलेिन पर इफेक्ट पड़ता है थायरोक्सिन पर इफेक्ट पड़ता है ना एपिन एफ्रिन नोरपिन की अमाउंट भी कम हो जाती है और फ़िनइल एलेनिन का लेवल बढ़ जाता है जिससे आ,

प्रभावी की जगह यहां पर क्या होता है अप्रभावी डिसऑर्डर है लेकिन यहां पर क्या दे रखा है प्रभावी इसलिए रोंग हो गया हिमोफीलिया लिंक्ड है बिल्कुल सही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ठीक है तो एक्स एक्सलिंग तो है तो ये वाला भी सही है फिर सिकल सेल एनीमिया के रेस्पेक्ट में दिए क्वालिटेटिव मेंडेलियन डिसऑर्डर बिल्कुल सही है आ, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है और थैलेसीमिया जो वो क्वांटिटेटिव है सिकल सेल एनीमिया के अंदर म्यूटेशन uh, के बाद में जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है जिसमें uh, uh, जो म्यूटेशन uh, के बाद में जो भी डिफेक्टिव ही हीमोग्लोबिन बनता है बीटा चेन के साथ तो ऑक्सीजन की कमी के दौरान वो पोलमराइज हो जाता है इससे आरबीसी जो है वो सिकल हो जाती है तो ये क्वालिटेटिव है लेकिन थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें या तो अल्फा या फिर बीटा बीटाचे जो है उसकी कमी कम हो जाती है और कमी होना मतलब क्वांटिटेटिव ठीक है तो वो तो क्वांटिटेटिव था और ये क्वालिटेटिव है तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है अपने को इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था गलत पूछा जा रहा था और गलत अपना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बाकी ये देखो एक्सलग्न है और गुणात्मक मेंडेलियन विकार विकार जो है मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन दो टाइप के हैं डेलियन विकार जो है वो जीन म्यूटेशन वाले हैं वो autosomal dominant, autosomal excellent dominant, excellent हो सकते हैं लेकिन नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं वो क्रोमोजोम वाले हैं एनोडी यूफ्लोडी आपको याद होगा ना तो वो नॉन मेडेलियन डिसऑर्डर है तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा सेकेंड आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन देखें एनिमल किंगडम से था है ना एनिमल किंगडम में यहाँ पे अपने को गलत स्टेटमेंट पूछा है है ना कैसा गलत स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा और किस पे बेस्ड गलत क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैस्ड ऑफ फाइलम इट्स सीलोम टाइप सेगमेंटेशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ठीक है ना इन uh, चार फीचर के अकॉर्डिंग जो है वो हमें गलत स्टेटमेंट जो पूछा हुआ है ठीक है तो देखते हैं कौन सा गलत है तो सबसे पहले जैसे दिया है प्लेटी हेलमेंथीज तो है ना तो जो उनके अंदर सिलोम होती है वो तो एसिलोमेट होते हैं और यहां पर क्या दे रखा है सिलोमेट तो यहीं पर स्टेटमेंट क्या हो गया रोंग बाकी सेगमेंटेशन अपसेंट होता है नोटोकोड अपसेंट होता है ये तो चलो ठीक है लेकिन सिलोमेट लिख दिया इसलिए ये वाला जो है वो गलत हो गया क्योंकि ये एप्रगोही होते हैं सिलोम अपसेंट होती है आ, ये ऐसे ट्रिपलो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सॉलिड मिजोडम होती है और सॉलिड मिजोडम यानी वो स्प्लिट नहीं हुई है इसीलिए सिलोम का फॉर्मेशन नहीं होता है ना और उसके बाद आ, इसका मतलब अगर ये रोंग हो गया तो बाकी के सही होने चाहिए तो जैसे एनलडा के लिए दिया है सिलोमेट बिल्कुल सही है सेगमेंटेशन भी इनके अंदर प्रजेंट होता है नोटोकोड इनके अंदर अपसेंट होती है क्योंकि ये नॉन कॉडेट है

नंबर <clears> क्वेश्चन <throat> है देखते हैं क्या क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू इेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट नॉट करेक्टली करेक्टली बेस्ड वेर इज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट है ना अगेन एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है नीट में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल कोशिश की है वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करने की है ना तो इसमें आ, एक वंश का नाम आ, उससे संबंधित दो लक्षण और किस संघ या वर्ग के वो है इससे रिलेटेड अपने को क्या देखना है गलत कथन देखना है चलो शुरू करते हैं स्पोन्जिला स्पॉन्जिला जो है वो पोरीफेरा फाइलम के मेंबर्स हैं नॉन डेट में और इनकी बॉडी के ऊपर काफी सारे ओपनिंग्स होते हैं पोर बियरिंग है ना छिद्रयुक्त शरीर का होता है इसके अलावा ये एक फ्रेश वाटर फॉर्म है तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है क्यों लोकस्टा ऑर्थोपोर्ट्स है, है ना सही लिखा है और आर्थोपोड जो हैं उनके अंदर औरडा जॉइंटेड अपनडेजेज प्रजेंट होते हैं और ये ग्रिगेरियस पेस्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब है जो ग्रुप में रहें और ग्रुप में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करें लेकिन एक दूसरे की हेल्प ना करें है ना और ये फार्मर्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी होता है तो ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है फिर पायला ये मोलस्क है और इनके अंदर मेंटल मेमब्रेन प्रेजेंट होती है ना विसरल uh, हम्प के ऊपर ही और वो जो सॉफ्ट वेंटल मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की तरफ कैलकेरिय सेल को भी रिलीज करती है और एक वो मेंटल केविटी वाला भी ध्यान में रखना है कि वेंटल मेम्ब्रेन और जो विसरल हम्प है उसके बीच में केविटी होती है जिसको मेंटल केविटी कहते हैं वो अच्छा क्वेश्चन है इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि बॉडी कवर्ड बाय बाई सेल ये भी यहाँ पर करेक्ट है है ना इसका मतलब फिर फोर्थ गलत होना चाहिए तो कैनिस uh, जो है वो अपने uh, के अंदर जो है कार्निवोरा का मेंबर है कैनिस डॉग के रेस्पेक्ट में और यहां पर आप लोग देखिए कि अगर ये मैमल मैमल मैमल्स है ना तो मैमल्स के अंदर तो ईयर ईयरपीना प्रेजेंट होते हैं ना एक्वेटिक मैमल्स जो हैं उनके अंदर ईयर पीना अबसेंट है हालांकि ये एक्वेटिक मैमल नहीं है तो बाकी ज्यादातर मैमल में, में तो ईयर पिन्ना है तो ये एक मैमल है और इसमें क्या लिखा ईयर पिन्ना आर पिन्ना पिन्ना होते होते ज्यादातर मैमल में, में जो है है वो प्रेजेंट हैं ना वो तो प्रेजेंट होता है तो इसलिए ये वाला गलत हो गया बाकी मेमेलिया तो चलो ठीक है लेकिन ए ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है क्योंकि उसके अंदर लिखा पिन्ना आर अपसेंट वहां पर आएगा पिन्ना आर प्रेजेंट तब तो वो सही होता अच्छा बी भी गलत है ए और बी दोनों गलत है बी सही कब होता जब यहां पर ये यह होता कि मोस्ट यूनिक इन पोजेजिंग हेयर की जगह क्या था मेमोरी ग्लैंड हेयर की जगह आना था मेमोरी ग्लैंड मोस्ट यूनिक कैरेक्टर ऑफ मेमल है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड यूनिक यूनिक किस रेस्पेक्ट में यूनिक जो है वो बॉडी हेयर के रेस्पेक्ट में तो अगर यूनिक पूछता तो अपने को यहाँ पर सही भी हो जाता तो ए और बी दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं रोंग हो गए हैं क्यों और इसीलिए यहाँ पर आंसर अपना कौन सा हो जाएगा फोर ठीक है आओ चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें वन जीरो वन इज नॉट ए मेथड ऑफ कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस मतलब कैंसर का सही टाइम पर प्रॉपर डिटेक्शन अगर डायग्नोसिस कर लिया जाए तो आ, जो पेशेंट है उसको मरने से बचाया जा सकता है लिखा भी एन सी ने डिटेक्शन डायग्नोसिस में अलग अलग टेक्निक से कैंसर का पता लगाया जाता है और जब कैंसर का पता लग जाता है फिर उसका ट्रीटमेंट होता है तो कैंसर के डिटेक्शन डायग्नोसिस में बायोपसी स्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती है सॉरी जिसके अंदर एक सस्पेक्टेड टिश्यू को बाहर निकाल के कट करके और फिर उसकी स्मियर बनाई जाती है कट पतले पतले थिन सेक्शन उसको आ, उसकी स्टेनिंग की जाती है और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि उसके अंदर कौन से हिस्टोपैथोलॉजिकल बदलाव आए हैं ना उसकी कैंसर सेल जो उसकी मोर्फोलॉजी अलग टाइप की होती है तो उससे पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर ये जो बॉडी के अंदर ट्यूमर वगैरह है इसका जो टिश्यू है ये ट्रांसफॉर्म्ड है ना तो एक तो इससे पता लग गया इसके अलावा जो ब्लड बोन बोनवेरो टेस्ट है उससे भीम भी ल्यूकीमिया का पता लग जाता है ये सब एनसीडी लिखा है उसके बाद में टेक्निक्स जो हैं जैसे कंप्यूटर टोमोग्राफी है जिसके अंदर एक्सरे को यूज किया जाता है इंटरनल जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है उसकी थ्री डी इमेज बनती है हालांकि थोड़ा सा अनसेफ है इसलिए एम आर आई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को यूज किया जाता है और उसमें भी इंटरनल ऑर्गन की थ्री डी इमेज बनती है लेकिन उसके अंदर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को भी यूज किया जाता है इसलिए वो सेफ है आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं उसके अंदर रेडियो को यूज करते हैं तो एम जो है उसके अंदर स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे रेडियो uh, वेव को यूज़ किया जाता है तो दोनों ही है टेक्निक हैं जिसमें एक टेक्निक ज़्यादा सेफ़ है एम वाली हालांकि दोनों के अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर uh, उसको सजेस्ट करते हैं लेकिन दोनों ही टेक्निक जो है वो डायग्नोसिस में हेल्पफुल है इसके अलावा मोलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक्स होती है जिससे पेशेंट जो है उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर जीन जो है जैसे पीछे के दंगल के अंदर प्रोटोनकोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन दोनों की बात हुई है तो कुछ लोगों में जिनमें जो ये ट्यूमर से रिलेटेड जीन है अगर मान लो डिफेक्टिव हैं तो उनका पता लग जाता है कि वो यूज़ फंक्शन में है या नहीं है तो मोलिकुलर बायो की टेक्निक से आ, कुछ जीन जो हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है जो कैंसर से रिलेटेड है इसके अलावा कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को भी यूज किया जा सकता है जैसे हरसेप्टिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए है तो ये सब जो बातें मैंने अभी बोली है ये कैंसर के डायग्नोसिस से रिलेटेड है लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी जिसमें कोई ट्यूमर उसको बाहर निकाला जाता है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी ये सब अलग अलग टेक्निक्स होती हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें कि बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज जो है ये डिटेक्शन डायग्नोसिस का मेथड है कंप्यूटर टोमोग्राफी डिटेक्शन डायग्नोसिस का मेथड है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन ये भी डिटेक्शन डायग्नोसिस का है लेकिन इम्यूनोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट है आपको याद होगा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर बाहर से दिए जाते हैं एल्फा एंट्रोपेरोन क्योंकि कई बार इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उनके ट्यूमर की सेल पकड़ में नहीं आते इसलिए बाहर से अल्फा एंट्रोपेरोन जो इंजेक्ट किया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम जो बुस्टअप होता है और कैंसर सेल डिटेक्ट हो जाती है तो ये वाला ट्रीटमेंट का है ये वाला ये ट्रीटमेंट का है और बाकी के जो है वो यहाँ पर डायग्नोसिस के ऐसे ही क्वेश्चन ये ऐसे ही फ्रेम हो सकता है कि विच वन इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है ना तो उसके अंदर तीन ऑप्शन ट्रीटमेंट क्योंकि एक डायग्नोसिस का दे सकते हैं ना तो इस तरीके से आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि एनसीआरटी में कौन से ये डायग्नोसिस वाले हैं और कौन से ट्रीटमेंट वाले हैं ठीक है आओ वन जीरो सेवन नंबर क्वेश्चन देखें सेलेक्ट इन करेक्ट वन फॉर पेरी प्लेनेटा अमेरिका ना मतलब जो तिल चट्टा है उसके लिए गलत स्टेटमेंट देखना है पहला देखिए अबाउट 34 फोर टू फिफ्टी थ्री एम एम लॉन्ग विथ विंग बिल्कुल सही है एनसीआर टी की स्टेटमेंट है ये है ना ट्रायंगुलर एंगुलर होता है जिसकी मोबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और जो हेड है वो छः सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है जो हेड है वो उसमें अगर हम लोग कहें कि उसका जो लार्वल स्टेज है तो उसके अंदर हेड में छः सेगमेंट है थोरिक्स में तीन है एपडोमेन में ग्यारह है लेकिन एडल्ट में छः से हेड में एक हो गया थोर में वही तीन है एपडोम में ग्यारह से दस हो जाते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है फीमेल के अंदर जो जेनेटल पाउच है काफी अच्छा स्टेटमेंट है वो सेवन स्टर्नम जो है वो एट एंड नाइ, नाइन नाइन स्टर्ना के साथ मिलके बनाती है और उसमें भी एन ने एंटीरियर और पोस्टीरियर लिखा है जेनेटल जो पाउच है उसके अंदर एंटीरियर लिखा है जेनेटल चैम्बर और पोस्टीरियर ओथिकल चैम्बर लिखा है तो जेनेटल चैम्बर में जो एनल ओपनिंग है कॉलेक्ट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग है इस ओपनिंग है फीमेल जेनेटल जो ओपनिंग है वो सारे ओपन होते हैं है ना और उसका फॉर्मेशन ये करता है बिल्कुल सही है और अगर यही आ, मेल जेनेटल पाउच वाला होता तब आंसर क्या होता तब आता नाइंथ एंड टेंथ टर्गा विथ नाइन्थ टर्ना ठीक है तो आपको मेल और फीमेल दोनों के अंदर जनिटल पाउच कौन से स्क्लेराइट्स फॉर्म कर रहे हैं वो याद रखना है ना तो ये वाला भी सही है फिर ये देखें कि विद इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब मतलब हर्ट लाइंग अलोंग द मिड वेंट्रल लाइन नहीं है वेंट्रल की जगह यहाँ पर क्या होता डॉर्सल लाइन जो कॉकरोच है उसकी बॉडी के अंदर डॉर्सली सबसे ऊपर की तरफ जो है मस्कुलर ट्यूबुलर हर्ट जो प्रेजेंट होता है वेंट्रली इसके जो नर्व कोड है वो प्रेजेंट होती है आप लोग जानते हैं कि नॉन कोडेट में हर्ट जो है वो डोर्सल होता है कोडेट में हर्ट जो है वो वेंट्रल होता है है ना और नर्व कोड की बात करें तो कोडेट जो हैं उनके अंदर नर्व कोड डोर्सल होता है और नॉन कोडेट में नर्व कोड वेंट्रल होता है तो ये दोनों में अंतर है जो आपको याद रखना है तो यहां पे गलत पूछा था और गलत यही हो गया और क्यों हो गया क्योंकि इसमें एक लंबे पेशी नली जो हृदय है उसको उधर के मध्य है इस अधरीय की जगह यहां पर क्या होता पृष्ठी है लेकिन अधरीय दे दिया इसलिए ये रंग हो गया ठीक है आओ, चलते आगे ओके यहां पे ये यह जो क्वेश्चन है वो टिश्यू से रिलेटेड है जिसके अंदर लास्ट के अंदर एपिथेलियल टिश्यू के एंड में ही जंक्शन की बात की गई आप लोग जानते हैं तीन टाइप के जंक्शन होते हैं टाइट जंक्शन एडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन तो आ, क्या पूछा है इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स है ना इंडिविजुअल सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो लिंक है वो प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से इंडिविजुअल सेल्स के बीच में यही क्या है जंक्शन है तो क्या पूछा है सेलेक्ट एन करेक्टली ऑप्शन फॉर टाइप जो जंक्शन है संधि के प्रकार और उनकी क्रिया के संबंध में बिल्कुल जो सत्य है उसका चुनाव करना है टाइट जंक्शन दो सेल्स के बीच में से सब्सटेंस के फ्लो को या लीकेज को रोकता है एनसीआरडी के की लाइन है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम ब्लिकिंग्रोस टिश्यू पदार्थ का उत्तकों के मध्य से को रोकना तो इसका मतलब एकथ हो गया टू ऐसे ही गैप जंक्शन जो है वो कम्युनिकेटिंग जंक्शन है जो दो आ, पास पास मौजूद सेल जो है उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है एनसीआर लिखा है और दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है जिससे मूव करते हैं स्मॉल मूव करते हैं एंड लार्ज मोलिक्यूल भी मूव कर सकते हैं गति कर सकते हैं एनसीआर टी ने ऐसा लिखा है तो फैसिलेट सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बिल्कुल सही है और ये ऐसे जंक्शन आप लोगों ने कार्डियक मसल के अंदर भी देखे होंगे है ना तो बी का आंसर यहाँ पर कौन सा बेटर है फर्स्ट एडहेरिंग जंक्शन डेफिनेशन हिंदी की एनसीईआरटी में गलत लिखी हुई है आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इनको इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और वो क्या लिखा है कि सीमेंटिंग टू कीप न टूगेदर कि पास पास जो सेल्स हैं पड़ोसी कोशिकाएं उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ रखते हुए जोड़ना है ना इसको जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं डेस्मोसोम जो उनको काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डेस्मोसोम एक टाइप का एडेरिंग जंक्शन ही है ना तो आपको यही डेफिनेशन हिंदी माध्यम के बच्चों को आसनजी संधि के लिए याद रखनी है जो हिंदी की एन सी आर टी के अंदर गलत रखी है ना उसको गैप जंक्शन वाली डेफिनेशन वहां पर दे दी है ना तो सी का यहां पर कौन सा बैठ रहा है थर्ड है ना तो ए का टू ए का टू बी का वन एंड सी का थर्ड तो आंसर हो जाएगा कौन सा वन यहां पर ए का टू आ रहा है बी का क्या आ रहा है बी का आ, थर्ड दे रहा है इसलिए गड़बड़ हो गया चलो ओके यहां पर दो टाइप की मसल आपको नजर आ रही है और दोनों ही मसल जो उसमें स्ट्रिएशन है जिसके अंदर धारियाँ हैं देखो इसमें भी है इसमें भी है। इसका मतलब है दोनों मसल जो वो स्ट्रिएटेड मसल्स है एक मिनट रुके तो यहां पर दो टाइप की मसल आपको नजर आ रही है और दोनों पे ही स्ट्रिएशन है धारियां हैं इसका दोनों स्टेटेड मसल्स हैं और स्ट्रेटेड मसल जो हैं जिसमें एक तो वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री स्टेटेड मसल जो है वो स्केल्टन मसल है और इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल जो है अनिच्छिक रेखित पेशी वो हृदय वाली है यानी स्मूथ मसल तो नहीं है क्यों तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि सेलेक्ट ऑड वन ऑड वन यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है और ऑड वन के लिए देखना कि सेलेक्ट ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू फिगर ए एंड फिगर बी फिगर ए ये रहा और फिगर बी ये रहा चित्र ए चित्र बी तो चित्र ए जो आपको नजर आ रहा है तो इसमें आप लोग देखें मल्टी न्यूक्लियस भी काफी सारे होते हैं जिसमें एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर दो लंबी स्ट्रक्चर को अलग से लिया गया है, है ना और इसमें किसी टाइप का गैप जंक्शन भी नजर नहीं आ रहा है जो कार्डियक मसल में होता है तो यहां पर लिख देते हैं कौन सी मसल स्केल्टन मसल, स्केल्टन मसल। और इसमें देखो, इसमें देखो गैप जंक्शन ब्रांचिंग पॉइंट भी है और इंटरकैलेटेड डिस्क भी है और हर एक सेल में उसका इंडिविजुअल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और यह फीचर तो कार्डियक मसल का है है ना तो यहां पर लिख देते हैं कार्डियक मसल कार्डियक मसल ठीक है तो देख लेते हैं कौन सा ऑर्डो बने फिगर एक ही लिखा है क्लोजली अटैच टू बोन अस्थि से निकटता के साथ जुड़ी होती है तभी उसको स्केल्टन मसल भी कहते हैं बिल्कुल सही है कम्युनिकेट कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट देखो कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो इंटरकलेटेड डिस्क के बीच में होते हैं जिससे सारे सेल एक साथ कम्युनिकेट करते हुए एक साथ कॉन्टेक्ट होती है तभी दोनों ओरिकल में एक साथ से स्टॉल होता है दोनों वेंट्रिकल में भी एक साथ से स्टॉल होता है सॉरी तो वन वाला ऑप्शन तो यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा संसार संधि उपस्थित होती है फिगर ए स्ट्रिप है बिल्कुल सही है स्टेटेड होता है रेखित होता है और फिगर बी के लिए लिखा है यूनिन्यूक्लेटेड ये भी बिल्कुल सही है आ, ये वाला मल्टीन्यूक्लेटेड होता है बाकी स्मूथ और कार्डिक मसल यूनि होती है फिर फिगर ए जो है वो बंडल बनाता है एक पैरल फैशन के अंदर बिल्कुल सही है काफी सारे बंडल होते हैं और फिगर बी की बात करें कि असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न ये इसके अंदर ब्रांचिंग होती है स्केल्टन मसल और स्मूथ मसल में ब्रांचिंग अपसेंट होती है तो वन टू थ्री स्टेटमेंट तो सही है इसका मतलब गलत जो फोर होना चाहिए तो फोर गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं फिगर ए के लिए लिखा है कि प्राइमरली इन्वोल्ड इन लोकोमोटरी एक्शन बिल्कुल ये तो ठीक है फोर्थ ऑप्शन में फिगर ए के लिए जो लिखा है वो सही है मूवमेंट लोकोमोशन में ये इन्वॉल्व होती है फिगर बी के लिए क्या लिखा है कि नर्वस सिस्टम डज कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्ट डायरेक्टली डज नॉट यहाँ पर नॉट आता नर्वस सिस्टम डायरेक्टली उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता ये मतलब ये मायोजेनिक मसल्स है रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करती है हाँ नर्वस सिस्टम जो है इनको मॉडरेट कर सकता है इनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है बैक टू नॉर्मल भी कर सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है उसके इफेक्ट से जब एपिनेफ्रिन एसिनोड पर रिलीज होता है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथिक और वैगस नर्व जब एसिटलकोलाइन रिलीज करती है ए एच तो उस दौरान उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है ना तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी सॉरी नर्वस सिस्टम डज कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली तो ये यह यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बी वाला इसलिए अपना आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फोर ठीक है आओ ओके <clears throat> okay, यहां पे कुछ एनिमल दिए हैं और जो भी दिए हैं वो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स और इनके अंदर हमें क्या पूछा है हाउ मेनी एनिमल इन द बॉक्स आर मोनोसियस मोनोसियस या हर्मेफ्रोडाइट हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाई सेक्सुअल उभयलिंगी है ना द्विलिंगी जीव जो है वो कौन से हैं तो यहां पर जो नॉनकोडेट हैं जैसे आपको पता है कि ये काइनोड्रमेड का मेंबर है स्टार स्टारफिश और ये तो यूनिसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल ये जो है वो प्रॉन है क्रस्टेशियन है ना और ये भी यूनिसेक्सुअल है ये भी यूनिसेक्सुअल और ये भी यूनिक तो ऑर्थोपोड्स ऑर्थोपोट फिर ये देखो ये एक एनलिड है एनलिड और एनलिडा में भी ये कौन है ये है जोंक हेरूडनेरिया और जोंक हिरुडनेरिया जो है वो क्या होता है बाईसेक्सुअल मोनोसियस हरिमोफ्रोडाइट एनोलिड्स में अगर देखें तो अर्थवॉम भी बाई है और जो है, वो भी है. नेरिस जो है वो भी बाई है नैरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पर नैरिस भी दे रखा है ये भी एक है लेकिन ये तो बाई है और ये वाला जो है वो यूनिसेक्सुअल है यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग है तो इसके लिए लिख देते हैं क्या यूनिसेक्सुअल लेकिन ये वाला मेंबर देखो ये वाला ये प्लेटियलमतीज है प्लाटी एल्मेंटिस में ये फैशियोला हिपेटिका लिवर फ्लूक जो डाइजेनेटिक एंडोबेरेसाइट है और ये जो है वो बाईसेक्सुअल है ये उभयलिंगी है तो इसके अंदर दो ऐसे जीव हैं जो बाईसेक्सुअल हैं और बाकी के जो है वो यूनिसेक्सुअल है तो दो जो बाईसेक्सुअल है वो कौन है सी एंड ई सी एंड ई तो यहाँ पर अपने को नंबर पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा वन मतलब दो और दो कौन से आप लोग जान ले एक तो सी और एक ई e. ठीक है बाकी एनसीईआरटी में लिखा है आप लोग देखें अगर और भी कोई डाउट है तो आओ आगे बात करते हैं ओके तो यहां पे एक क्वेश्चन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है और एनसीआरटी के फिगर का एक छोटा सा सेक्शन आपको नजर आ रहा है ना? और यहां से आपको पता भी लग गया कि ये स्मॉल है और ये uh, लार्ज इंटेस्ट है वो कौन क्या है? है ना और जिस पार्ट में खुलता है वो एक ब्लाइंड सेक है जिसको क्या बोलेंगे है सिकम. ना? सिकम. और वहां से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है जो यहां पर नजर आ रही है वो है अपेंडिक्स है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या पूछा है कि सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना तो मैंने अपन ने यहां पर ए बी और सी क्या है उसको नोट डाउन कर दिया है अब उसके अकॉर्डिंग अपन लोग करेक्ट स्टेटमेंट जो हो उसको फाइंड आउट करते हैं पहले लिखा है ए के लिए सिकम इस स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिंबायोटिक माइक्रोगनिज्म सिकम एक अंधलान मतलब एक छोटी थैली समान संरचना है जिसमें कुछ सहजीवी uh, जीव रहते हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का ये तो ये वाला तो सही है सी देखते हैं सेकंड ऑप्शन इलियम एक तो यही गलत गड़ गड़बड़ हो गया आई एल आई एम यहाँ पर क्या आता आई एल ई एम क्योंकि ये तो पहलवी गर्डल का पार्ट है ना बोन के अंदर पेक्टोरल गर्डल और ये पेल्विक गर्डल तो पेल्विक गर्डल की बोन का नाम है ये तो इलियम है ना तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया एक तो और दूसरा जो इलियम मतलब सी जिसको अपन ने मार किया है डूडनम जेजुनम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन डूडनम सी शब्द जेजुनम मिडल कोल्ड एंड इलियम लास्ट पार्ट है लॉन्गेस्ट है हाईली कोल्ड है तो यहाँ पर क्या लिख दिया मिडल मिडल की जगह क्या आता लास्ट इसलिए भी गलत हो गया तो सेकंड ऑप्शन दो वजह से गलत हो गया एक तो आई एल आई और एक मिडल मिडल की जगह था लास्ट और आई आई एल की जगह क्या था आई एल ई है ना तो दोनों ही गड़बड़ हो गए बाकी क्या लिखा है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटरेस्ट एंड नहीं ये जो है सी वाला स्टेटमेंट कब सही हो जाता जब यहाँ पे लिखा होता आई एल एम और लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटरेस्ट एंड विच ओपन लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए ये वाला रोंग हो गया इसका तो दो सही होने चाहिए फिर तो दो सही है या नहीं चेक कर लेते हैं डी के लिए लिखा है अपेंडिक्स के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बिल्कुल सही है कृमि रूपी परिचित सिखाया है ये और फिर क्या लिखा है एक संक्रा नलिकाकार अंगुली जैसा प्रवर्ध है बिल्कुल सही है एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन ये है और होता भी है तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया आ, फोर वाला स्टेटमेंट देखते हैं अपेंडिक्स के लिए कि अराइज फ्रॉम सिकम सिकम से निकल रहा है एंड इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है बिल्कुल सही है ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने ट्वेल्थ की एन सी आर टी से लिया है चैप्टर नंबर एट से हेल्थ एंड डिजीज वहाँ पर इम्यून सिस्टम के ऑर्गन दिए हैं जिसके अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और थाइमस और फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसमें पेयर पैचेज अपेंडिक्स भी दे रखा है इसके अलावा टॉन्सिल दे रखे हैं और इसके अलावा जो माल्ट वगैरह उसकी भी बात हुई है स्प्रिन की भी बात हुई है तो ये सारे के सारे जो हूँ सेकेंड लिम्फोड ऑर्गन है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मेरो थाइमस जो है वहां पर जो लिम्फोसाइट्स बनती है मेच्योर होती है लेकिन वहां से फिर वो सेकेंडरी लिम्फोइड में आ जाती है, जहां पर एंटीजन सेंसिटिव जो लिम्फोसाइट है, वो एंटीजन के साथ इंटेक्ट होकर एक्टिवेट होती है और इफेक्टर सेल के अंदर बदल जाती है लिखा एनसीआईटी ने तो अपेंडिक्स एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है ना तो अपने को यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा था और गलत कौन सा है सेकेंड तो आंसर हो जाएगा कौन सा ठीक है, आओ। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा हम्म फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप लोग देखें एनसीईआरटी में जाएं और नीट के पेपर में बाई चांस मान लो ये आ जाए तब तो गलत नहीं होना चाहिए ना। कमी का पता लगना चाहिए कमी का पता लगना चाहिए कि अभी भी ये कमी है पेपर का परपज भी यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजों का पता लगे कौन सी चीज उनको आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है ना तो अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं एक दो तो देखें सॉल्यूशन को देख के समझ में आ जाएगा और से भी उसको रिलेट करें ठीक है ओके अगला जो है वो क्वेश्चन फिजियोलॉजी से रिलेटेड एनिमल फिजियोलॉजी सिस्टम फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है मैच वाला है और इसके अंदर अपने को क्या आंसर फाइंड आउट करना है करेक्ट कि सही रूप से मिलान वाला सही मिलान वाला चलो देख लेते हैं मोटर अलोंग विथ मसल फाइबर है ना ये देखो ये मसल फाइबर तो ये तो मोटर यूनिट है जो

मोटर न्यूरॉन और ये जो है वो क्या है सारको लेमा और इस एरिया को वैसे बोलते हैं क्या है मोटर एंड प्लेट मोटर एंड प्लेट तो ये मैच किससे हो रहा है बी से मोटर एंड प्लेट को क्या बोलते हैं तंत्रिका पेशी पेशी संगम पे प्रेरक अंत्य पट्टिका लिखा हुआ एनसीईआरटी ने तो बी जो है उसका फोर हो जाएगा फिर क्या लिखा है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग मॉडल के अंदर आप लोग देखें कि जब मायोसिन के हेड पे जो है एटीपी बाइंडिंग साइट पर जब तक एटीपी जुड़ा होगा तब तक क्रॉस जो मतलब जो हेड है वो एक्टिन के साथ जुड़ नहीं पाएगा जैसे ही ए का हाइड्रोलाइसिस होगा क्योंकि वो जो साइट है वो एक्टिपेज होती है वो एम जी प्लस आइन को यूज़ करते हुए उस ए का हाइड्रोलाइसिस करेगी और जैसे ही ए का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वहाँ पर वो ए टी में चेंज होगा और ऐसे में मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो जब भी क्रॉस ब्रिज बनता है तब एटीपी का एडोलाइसिस होगा और एटीपी का एडोलाइसिस के बाद में अब उस साइड पे एडीपी होना चाहिए तब तो वो एक्टिन के साथ जुड़ेगा और फिर मसल को कॉन्टेक्ट करा देगा लेकिन अब मसल कॉन्टेक्टेड स्टेट में है और जैसे वो स्ट्रोक लगेगा तो वो ए उस साइड से रिलीज आउट हो जाएगा वहाँ से हट जाएगा लेकिन अब भी मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ कनेक्टेड है अब वो मसल इसका मतलब अब भी कॉन्टेक्टेड फॉर्म में उस मसल को रिलैक्स करना है और उस मसल को अगर रिलैक्स करना है उस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना पड़ेगा और क्रॉस ब्रिज को अगर ब्रेक करना है तो एमपीटी खाली एटीपी बाइंडिंग साइट के ऊपर जैसे ही एटीपी जुड़ेगा तो वो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और मसल रिलैक्स हो जाएगी दोबारा क्रॉस ब्रिज तभी बनेगा जब वो जुड़ा हुआ ए का क्या होगा हाइड्रोलाइसिस इसका मतलब है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन तो उससे किसको मैच करना है सी का हो जाएगा सेकंड लेकिन कंफ्यूजन के लिए यहां पर एक और दे रखा है एटीपी बाइंडिंग लेकिन एटीपी बाइंडिंग तब मैच होता जब लिखा होता कि फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का तो ये हो गया बाकी ये कि डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ब्रिज या क्रॉस uh, ब्रिज जो है उसका टूटना अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तब उसको एटीपी बाइंडिंग साइट सॉरी एटीपी बाइंडिंग से हम लोग मैच कर सकते थे तो एटीपी जब बाइंड होगा तब क्रॉस ब्रिज टूटेगा और जब एटीपी का एडोलाइसिस होगा जुड़े हुए एटीपी का आइडोलाइसिस तब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है एरोबिक मसल जो है वो रेड फाइबर्स हैं फर्स्ट ही डी का वन हो जाएगा आपको पता है कि चैप्टर नंबर ट्वेंटी के अंदर जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है उसके एंड में रेड फाइबर और वाइट फाइबर दिए हैं रेड फाइबर जो है उसके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है वाइट फाइबर में कम है रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा है वाइट फाइबर में कम है रेड फाइबर जो है उसका डायमीटर कम है वाइट फाइबर का ज़्यादा है रेड फाइबर में एस जो है वो कम होती है वाइट फाइबर में ज़्यादा होती है रेड फाइबर जो है वो एरोबिक होते हैं और वाइट फाइबर एन एरोबिक होते हैं रेड फाइबर जो है उसमें एन एरोबिक कंडीशन जल्दी से नहीं आती है वाइट वाइट फाइबर में आ जाती है तो जो जल्दी थक जाती है वो कौन सी है वाइट फाइबर और जल्दी थकते नहीं है वो कौन सी है Red fiber, fast twitch fiber, जो जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी का, का ना ना तेजी से कम के लिए जल्दी -जल्दी fiber करते हैं लेकिन कुछ टाइम में वो थक जाते हैं लेकिन लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन जो है वो व्हाइट फाइबर करते हैं ना। तो यहाँ पर एरोबिक मसल जो है वो रेड फाइबर हो गया और यही अगर यहाँ पर एन एरोबिक मसल होती तो यहां पर मैच अपन करते वाइट फाइबर ठीक है चले आगे आओ तो ये एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया था चैप्टर नंबर ट्वेंटी से आई होप सही किया होगा आप लोगों ने क्यों चलो <coughs> अगला क्वेश्चन है वो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मैमल्स टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन मतलब लूप ऑफ फेनले पे वर्क करते हुए मतलब लूप ऑफ फेनले जो है आप लोग जानते हैं नेफ्रोन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है है ना तो हेल्ले लूप तो चलो है ही बाकी वासा रेक्टा भी है इसका मतलब हेल्ले लूप एंड वासा रेक्टा दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोग जानते हैं कि जो लूप ऑफ हेल्ले है उसके अंदर जो असेंडिंग लिम्ब है वो सबसे पहले एनएसियल वगैरह वहां से रिओब्जोर होते हैं और फिर जो वासा रेक्टा है उसके अंदर वो एन एंट्री कर जाता है तो वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिंब है उसमें एन एंट्री कर रहा है और वाटर बाहर आ रहा है तो ये ब्लड जैसे जैसे नीचे जाता है कंसनट्रेट होता जाता है और ये ब्लड जब ऊपर वापस आएगा तो वो अपने एन को वापस छोड़ता जाएगा तो ब्लड की ओसमोलिटी वापस तीन सौ हो जाएगी इसका मतलब है कि लूपो पेनले ने लूपो पेनले की जो असेंडिंग लिंब है उसने तो मेडुलरी इंटरस्टिडियम की ओस्मोलिटी को बनाया क्रिएट किया लेकिन उसको मेंटेन किसने किया उसको मेंटेन किया किसने वासा रेक्टा ने अगर वासा रेक्टा को हम लोग सीधा करते हैं तो लूपो पेनले ने जितना भी हार्डवर्क किया मेहनत किए वो सारा सोल्यूट ये कलेक्ट करके और 300 सौ के साथ ब्लड किडनी के बाहर आ जाएगा लेकिन ये इस तरीके से काउंटर करंट है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया तो ऑफ पेनले तो मेडुलरी इंटरस्टेडियम की ऑस्मोलिटी को बनाता है क्रिएट करता है लेकिन उसको मेंटेन कौन कर रहा है वासा रेक्टा इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है चले आगे आओ देखें अगला जो क्वेश्चन है ये नर्व फिजियोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं नर्व फिजियोलॉजी के अंदर कि अलग अलग जो इवेंट्स हैं जैसे आपको मैं एक बार बता दूं कि जैसे इवेंट्स हो गए एन ए प्लस के प्लस पंप हो गया एन ए प्लस के प्लस पंप वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस चैनल और के प्लस चैनल इसके अलावा लीक प्लस लीक चैनल और के प्लस लीक चैनल और मैमब्रेन पोटेंशियल है ना तो जैसे इवेंट में सबसे पहले है पोलराइजेशन या पोलराइज स्टेट उस दौरान पंप ऑन रहेगा ये वोल्टेज गेटेड दोनों चैनल क्या रहेंगे ऑफ रहेंगे ये लीक चैनल हमें साउंड रहते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है तो जब भी न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को नहीं ले जा रहा है वो रेस्टिंग तो पोटेशियम के, के लिए ज्यादा है। तो वो लीक से लेट करते हुए बात कर रहा है बाकी दोनों वोल्टेज गिटेड चैनल वो बंद रहते हैं फिर पोलराइजेशन के बाद क्या आएगा डी पोलराइजेशन जब स्टूमुलस मिलता है तो पंप ऑफ हो जाएगा और सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड ऑन हो जाएंगे ये ऑफ रहेगा ये तो हमेशा ऑन है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस से कम होता होता जीरो और प्लस थर्टी फाइव तक चला जाता है ओके okay, जैसे प्लस थर्टी फाइव जाता उसके बाद में चीजें बदलती हैं और वापस न्यूरॉन कैसा हो जाता है रिपोलराइज क्योंकि उस दौरान पंप वापस ऑन हो जाता है ये वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस ऑफ हो जाता है और ये वाला खुल जाता है ऑन हो जाता है ये तो हमेशा से खुले है है ना? और जैसे ही पंप ऑन होता है वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल ऑन होगा तो के प्लस का ए स्टार्ट हो जाएगा और प्लस थर्टी फाइव से प्लस ट्वेंटी प्लस टेन ज़ीरो माइनस टेन माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी है ना माइनस सिक्सटी माइनस सेवनटी वापस ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस सेवनटी मिली वोल्ट की तरफ बढ़ता जाएगा लेकिन वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल धीरे धीरे ही ओपन होते हैं और धीरे धीरे ही क्लोज होते हैं तो माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट आने के बाद भी वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल ऑन है और अब भी के प्लस का इफ्लक्स जारी है ऐसे में ये जो न्यूरोन है वो हो जाएगा हाइपर पोलराइज ये ऑन है ये है और के प्लस अब भी ऑन है यानी अब भी के प्लस बाहर जा रहा है और अब भी के प्लस अगर बाहर जा रहा है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस एटी वोल्ट लेकिन उसके बाद में जो के प्लस चैनल है वोल्टेज गेटेड वो बंद हो जाएगा और के प्लस का बाहर की तरफ इफ्लक्स रुक जाएगा ऐसे में न्यूरोन वापस हाइपर से कैसा हो जाएगा पोलराइज तो उस दौरान देखो ये भी ये भी ऑन ऑफ यहां पर भी ऑफ यहां पर ऑन था अब देखो ऑफ हो गया तो न्यूरोन आईपर पोलराइज से वापस क्या हो गया पोलराइज तो ये सारे इवेंट न्यूरोन के हर एक नोड के ऊपर रिपीट होते हैं ठीक है और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोन है ना तो आप लोग डीपोलराइजेशन मतलब टू वाला टू वाला इससे लेट करो

नहीं वोल्टेज गेटेड मतलब यहाँ पर जो रोल है वो किसका है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का है और वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल यहाँ पर देखो हाइपर पोलराइजेशन के दौरान ऑन था और वो अगर क्लोज भी हो तो न्यूरॉन जो है वो पोलराइज स्टेट में ही तो पोलराइज पोलराइज स्टेट में भी वो क्लोज है इवन जब डीपोलराइज हुआ तभी वो क्लोज ही है लेकिन पहले से वो क्लोज है लेकिन हमारा जो डीपोलराइजेशन हो रहा है उसके लिए जो मेन रोल है वो सोडियम चैनल की ओपनिंग का होना है क्योंकि जब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा चार्ज कैसा हो जाएगा, जाएगा? माइनस और यही जो है वो एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में न्यूरॉन के एक नोड से अगली नोड के ऊपर आगे मूव करता जाएगा ठीक है ना तो ये वाला ऑप्शन भी यहां पर डी के लिए क्लोजर ऑफ वोल्टेजेड एनए प्लस चैनल नहीं अगर ये क्लोज हो गया तो फिर तो वो आ, देखो कि जब वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज है तब तो ये वाली कंडीशन थी लेकिन के दौरान उसका ऑन रहना जरूरी था ठीक है तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड और ये वाले टेबल जो है वो आपको याद रखनी है कि कौन से इवेंट के दौरान कौन से वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन ऑफ है और पंप ऑन है या ऑफ है ठीक है चले आगे आओ हम्म अगला क्वेश्चन जो वो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से अपना चैप्टर और में जो, जो ना वाला पार्ट है उससे रिलेज ग्लूकोटिकोइ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ग्लूको गु, में आप लोग जानते हैं कि कोर्टिसोल कोर्टिसोन कोटिकोस्टिर और 95 फाइव परसेंट जो सबसे मेन है, कोर्टिसोल, उससे है कोर्टिसोल, जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे फैटी एसिड है एमाइनो एसिड है उनसे ग्लूकोज बनाता है और इसके अलावा प्रोटीओलाइसिस भी कराता है सेलुलर प्रोटीन को एमाइनो एसिड के अंदर चेंज कर देता है और ब्लड में उसके लेवल को बढ़ाता है एम्यूनो एसिड को सेलुलर एम्यूनो एसिड अपटेक को रोकता है इसी तरीके से लाइपोलाइसिस भी करता है एडिपोस टिश्यू में जो लिपिड है जो टीएजी है उसको ब्रेक कराता है फैटी एसिड ग्लिसोल में चेंज करके ब्लड में रिलीज कराता है इसका मतलब कि कोर्टिसोल का कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड तीनों के मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट है इसके अलावा ये कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है और इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है रोकता है सप्रेस करता है ये एंटी इन्फ्लामेट्री है इन्फ्लामेशन को कम करेगा डब्ल्यू प्रोडक्शन को कम करेगा बिल इम्फोसाइड प्रोडक्शन को कम करेगा वो डब्लू है इससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा फैगोसाइटिक सेल की एक्टिविटी को कम कर देगा बट ये आर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा आर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा लेकिन डब्ल्यू काउंट को कम करेगा इसको प्रैक्टिकली समझो कि एक व्यक्ति काफ़ी स्ट्रेस में है और जब भी स्ट्रेस में होगा तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा मान लो वो दौड़ रहा है किसी रेस में है वो या किसी अन्य कारण से वो आ, किसी मान लो वो फाइटिंग कर रहा है या चलो दौड़ रहा है तो या तो फाइटिंग कराओ या दौड़ तो रहा हो तो दोनों ही कंडीशन उसके लिए एक तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशन है ऐसे में उसकी बॉडी जल्दी से वर्क जल्दी जल्दी वर्क करेगी और फाइटिंग की अगर कंडीशन है तो उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग वगैरह आ सकती है तो स्वेलिंग ना आए इसलिए कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा उसकी स्केल्टन मसल जो है उसको तेजी से ब्लड मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड हो उतार रहे इसलिए आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आप लोग देखो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए और ऐसे कंडीशन के अंदर इम्यून सिस्टम जो है एक बार उसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति एक अलग टाइप की स्ट्रेस वाली कंडीशन में इसीलिए ये जो कॉर्टिसोल है वो यहां पर इस तरीके से वर्क करता है तो इसी के रेस्पेक्ट में अपने को क्या पूछा है विच वन इज नॉट रिलेटेड विद कॉर्टिसोल फंक्शन तो प्रोड्यूस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन बिल्कुल सही है लिखा है एनसीआर ने प्रतिशोध क्रिया उत्पन्न करता है सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स इम्यून एक्टिविटी को भी कम करता है ये आरबीसी प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता है उसको तो प्रमोट करता है तो ये वाला गलत हो गया ये तो ठीक थे फिर मेंटेन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ये भी ठीक है तो गलत पूछा था तो गलत अपना आंसर हो जाएगा थर्ड ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं वन वन सिक्स ठीक है और यहाँ पर ये चैप्टर नंबर ट्वेंटी इलेवंथ की एनसीआर से पूछा हुआ क्वेश्चन मूवमेंट लोगोमोशन टाइप ऑफ ज्वाइंट बोन का नाम और उन ज्वाइंट के थ्रू कैसी मूवमेंट हो रही है तो चलो देखते हैं नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो पहले फ्लैट बोन ऑफ्सकल ये वाली है ना फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल और इनके बीच में फाइबर ज्वाइंट होता है परफेक्ट जॉइंट होता है जिसमें फाइबर जो हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे जॉइंट में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है ठीक है फिर है एडजस्टेंट वर्टिब्रा पास पास आसन कसेरुकाइन जो हैं इनके बीच में जो जॉइंट्स जो होता है वो वाइट फाइबरस कार्टिलेज वाला है काटलेजनस जॉइंट और कार्टिलेज जो है वो हल्की सी मूवमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व होती है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कह सकते हैं सॉरी तो परफेक्ट जॉइंट होते हैं जिसमें बिल्कुल मूवमेंट ना हो वो जॉइंट है हल्का सा मूवमेंट जो slightly, moment, वो के अंदर है वो स्लाइटली इसमें फाइबर होते हैं, तो वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है और आप लोग देखो ये वाले फाइबर ये फाइब्रस जॉइंट ये भी कॉलेज है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये फाइब्रस जॉइंट है और इंटरवर्टिबल डिस्क वाला जो पार्ट है या मैं कि सिम्फाइसिस वाला जो पार्ट है वो कार्टलेजनस जॉइंट है हाँ वो कार्टिलेज जो है वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है लेकिन वो फाइब्रस जॉइंट नहीं है ध्यान रखना ठीक है तो ये दो तो ठीक है फिर है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेलवी गर्डल पेलवी गर्डल पेलवी गर्डल तो लोअर है वो तो फीमर और पेलवी गर्डल के बीच में होता है तो ह्यूमरस का रिलेशन तो पेक्टोरल गर्डल से होना चाहिए ना तो में एकला पेक्टोरल गर्डल है ना श्रोणी में एकला की जगह क्या था अंश में एकला तो इसका मतलब गड़बड़ तो यही हो गई बाकी क्या लिखा बॉल एंड सॉकेट तो चलो ठीक है लेकिन वो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता और वहां पर काफी सारी मूवमेंट भी होती है लेकिन यहां पर इस पहले गर्डल की वजह से ये रोंग हो गया फिर बिटवीन एटलस एंड एक्सेस फर्स्ट एंड सेकेंड जो सर्वाइकल वर्टिबर है उनके बीच में पाइवोट जॉइंट होता है और वो साइनोवियल जॉइंट का ये दोनों साइनोवियल जॉइंट है और उनके अंदर परफेक्ट मूवमेंट मिलता है तो वन टू फोर तो सही है लेकिन थर्ड वाला गलत हो गया और क्यों गलत हो गया श्रोणी मेखला के कारण ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं <coughs> क्वेश्चन नंबर वन, वन सेवन की हम लोग बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो अपने 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है ठीक है आओ चेक करते हैं अ मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्टली 매च्ड ऑप्शन दो कॉलम है उसमें करेक्टली अपने को देखना है टोटल मेमोरी लोब्स कुल स्तनपलिया एक के अंदर है 15 से 20 अपने को कुल पूछा है यानी uh, 30 से 40 30 से 40 यानी ए का हो जाएगा 2 फिर लिखा है टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में लोब्यूल एनसीएड लिखिए 250 तो कुल पूछिए तो 500 ये लोग 500 तो बी का हो जाएगा फिर लिखा टोटल इन वन टेस्टिस एक टेस्टिस में आप लोग जानते हैं एन लिखा है कि टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल दो है और हर लोब्यूल में एक से तीन सेमिनी लिखी एक से तीन एक लोब्यूल में और टोटल एक टेस्टिस में लोब्यूल कितने हैं लिखे कि? 250 तो मिनिमम तो हो गई 250 और मैक्सिमम हो गई 750 है ना तो इसका आंसर कौन सा बैठ जाएगा 250 से 750 टोटल सेमिनिफेरस ट्यूबुल इन वन टेस्टिस और अगर ये होता टोटल सेमिनिफेरस ट्यूबुल इन बॉडी तब आंसर क्या होता तब आंसर होता 500 से 1500 लेकिन यहां पर केवल एक टेस्टिस का पूछा है इसलिए अपना आंसर यहाँ पर सी का कौन सा बैठ रहा है थर्ड फिर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इन फीमेल एटपिब्री एनसीआर लिखा है कि 60 से अस्सी हजार प्राइमरी फोलिकल तक पर ओवरी रहते हैं एक ओवरी में और यहाँ पर क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इन फीमेल एटपिब्री इसका मतलब दोनों ओवरी का पूछ रहा है तो यानी वो हो गया एक लाख बीस हजार से एक लाख साठ हजार तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है

फिर C का थ्री ये रहा C का थ्री D का वन ये रहा और E का फाइव ये रहा ठीक है तो कोई और ऑप्शन तो इस तरीके से नहीं बैठ रहा तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ठीक है आओ आई होप सही किया होगा आप लोगों ने और नहीं भी हुआ है अगर गलती हुई है तो एनसीआरटी में जाए और इस चीज को अच्छे से रिवाइज करें ताकि अगर बाई चांस नीट में आए तो आपका गलत ना हो ओके अगेन चैप्टर नंबर थर्ड जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उससे लिया हुआ है

पार्चुलेसन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और यहां पर क्या लिखा है सिंपल सिंपल की जगह क्या आएगा कॉम्प्लेक्स फिर neuro -endocrine. Neuro -endocrine. तब ये स्टेटमेंट सही होता इसलिए अभी ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग तो ये पूछा था तो आंसर हो जाएगा फोर ओके okay. अगला क्वेश्चन देखें एक सौ उन्नीस नंबर क्वेश्चन ये अपना इलेवंथ के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर सेवनटीन से लिया हुआ क्वेश्चन है और गैसियस ट्रांसपोर्ट में ऑटू ट्रांसपोर्ट के दौरान इसकी बात एन सी की है जिसके अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जिसमें हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन के लिए अलग अलग कंडीशन में जो इफेक्ट है वो देखा गया है है ना हीमोग्लोबिन से कब ऑक्सीजन जुड़ेगा कब हटेगा अलग अलग फैक्टर किस तरीके से इसको अफेक्ट कर रहे हैं उसकी बात इसके अंदर की जा रही है तो आप लोग देखें कि इसमें जो कर्व है वो राइट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है राइट right डायरेक्शन में और जब भी राइट right डायरेक्शन में कर शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट बोहर इफेक्ट और ये जो इफेक्ट है वो कहां लगता है टिश्यू के पास अब टिश्यू के पास आप लोग जानते हैं पीओ टू कम होती है पी सी टू ज़्यादा होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है पी एच कम होता है एच प्लस ज्यादा होता है और ये सारी कंडीशन जो हैं वो टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन से जुड़ी ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराती है और ऑक्सीजन को ब्लड से टिश्यू में अनलोड कराती है और इसी का उल्टा जो है वो हेल्ड इफेक्ट है जो लंग्स के पास लगता है वहाँ पे पी ओ टू ज़्यादा है पी सी ओ टू कम है टेम्परेचर कम है पी एच ज़्यादा है एच प्लस कम है और ये कंडीशन जो है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जुड़ने को प्रमोट करती है और जैसे वहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है एच प्लस रिलीज होता है और वो एच प्लस की वजह से जो है एसिडिक नेचर की वजह से H प्लस हटता है तो ब्लड में जो CO2 है वो ब्लड से मूव करके लंग्स में आ जाती है हेल्डेन इफेक्ट है और बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट दोनों उल्टे हैं बोहर इफेक्ट में कर्व राइट जा रहा है और ये टिश्यू के पास होता है और हेल्डेन इफेक्ट में कर्व लेफ्ट आता है और वो लंग्स के पास में आता है बात समझ रहे हो तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है विच कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट ऑफ कर्व इन टू राइट साइड मतलब ए बोर इफेक्ट के लिए तो देखें राइट साइड मतलब टिश्यू के पास पी टू ज़्यादा होती है पी टू कम होती है और एच प्लस ज़्यादा होता है यही अपना आंसर हो जाएगा बाकी ये देखो ये गड़बड़ हो गया हम्म hmm? ये क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए ये कम होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए था ये ज़्यादा चलो ठीक है लेकिन ये कम होना था और ये कम होना था ये वाला ज़्यादा होना था और ये वाला कम होना था तो आंसर कौन सा हो जाएगा वन एक चीज़ देखो कि जब ये कर्व यहां है तो आपके इंप्योर ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो कितना है 40 ऐसे के अंदर ऐसे कंडीशन में आप लोग देखो लगभग ये 75% सैचुरेटेड है आपका प्योर ब्लड जो लंग्स के लंग्स एल्वियोली की अगर बात करें वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 एमएमएचजी आप लोग देखो एनसीईआरटी में तो 104 पर अगर सैचुरेशन देखें तो वो लगभग 98 आता है तो अगर प्योर ब्लड की बात करें जिसमें सेचुरेशन जो है वो कितना है 98 परसेंट लेकिन इमप्योर ब्लड जो 40 एम mm एम पार्शियल प्रेशर पे उस पर सेचुरेशन कितना है 75 परसेंट यानी कितने परसेंट ऑक्सीजन को अनलोड किया गया 23 परसेंट ट्वेंटी परसेंट नॉर्मली लेकिन अगर ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाए अगर ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाए टिश्यू के पास तब आप लोग देखो अब ये करो राइट शिफ्ट हुआ है तो राइट शिफ्ट हुआ है तो ऐसे में 40 जो इंप्योर ब्लड है इंप्योर ब्लडियल उस पर आप लोग देखो अब कितना आ रहा है मान लो यहां में एल्यूलाई के पास एक सौ चार पार्शियल प्रेशर था सब सेचुरेशन नाइनटी एट परसेंट था कर्व राइट शिफ्ट हो गया और अब इम्प्योर ब्लड में चालीस एम एम एच जी पर सेचुरेशन कितना है पचास परसेंट तो कितना परसेंट ऑक्सीजन अनलोड हुई ये देखो फोर्टी एट परसेंट फोर्टी एट परसेंट ऑक्सीजन अनलोड हो गई ये देखो पहले कितनी हो रही थी 23 परसेंट अब कितनी हो रही है 48 परसेंट कब जब करो राइट शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब है टिश्यू के पास डिमांड बढ़ी है और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ज्यादा अनलोड होगी इसी को बोलते हैं बोहर इफेक्ट और करो किस तरफ शिफ्ट हो गया राइट क्लियर बात चलो आगे चलते हैं ओके इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ठीक है और क्या पूछे होमोलोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है उसकी अगर बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर रखने वाले जो जीव हैं उनका ओरिजिन सेम होगा उनकी स्ट्रक्चर सेम होगी उनके फंक्शन अलग होंगे ज़्यादातर कई बार सेम भी हो सकते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो अडेप्टेड है वो एनवायरनमेंट भी अलग अलग होगा और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है अब सारी का तो मोलोगो स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यही आंसर हो जाएगा अब सारे उद्विकास ठीक है मेंडल के जो दो की कॉन्सेप्ट थे वो क्या है ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन ब्रांचिंग डिसेंट क्या है ब्रांचिंग डिसेंट है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन का पैटर्न क्या है ये देखो ये वाला एक पूर्वज से दो बन गए और इससे लगातार नए प्रोड्यूस होते जा रहे हैं ये देखो ये है ब्रांचिंग डिसेंट पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और दोनों ही डार्विन के की कॉन्सेप्ट थे ठीक है लिखा एनसीआरटी में आगे चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर पैथोजन और उसका कोजेटिव, मतलब डिजीज ऑर्गेनिज्म और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कैसे वो बॉडी में एंट्री करते हैं उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग मैच किया गया है और अपने को क्या पूछा है करेक्ट पूछा है ठीक है तो चलो देख लेते हैं करेक्ट कौन सा है सही वाला तो जैसे न्यूमोनिया स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोन्स संक्रमण बिल्कुल सही लिखा है मतलब हवा से होने वाला एयर से होने वाली डिजीज है बिल्कुल सही मैच हो रहा है टाइफाइड साल्मोनेला टाइप ही है फीको ओरल रूट कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है लेकिन यहाँ पर तो एयर लिखा है तो ये वाला गलत हो गया फिर मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक्सपीसीज लिखी है उसकी वजह से होता है लेकिन ये संक्रमित फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है तो और यहाँ पर क्या लिखा बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मेल मेल की जगह क्या था फीमेल इसलिए ये वाला गलत हो गया

एनिमल हजबेंड्री चलिएज इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ केटल्स मतलब कि जो एनिमल्स मीट प्रोडक्शन मिल्क वगैरह के लिए प्रोडक्शन के लिए एवरेज या उससे कम है तो उनमें इंप्रूवमेंट के लिए ब्रीडिंग का मेथड कौन सा बेस्ट है तो एक तो इन ब्रिडिंग एक आउटब्रिडिंग और आउटब्रिडिंग में आउटक्रॉसिंग क्रॉसिंग cross और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इसके लिए जो एनसीआर ने बात की है वो आउटिंग में आउटक्रॉसिंग की बात की है आउटक्रॉसिंग से उसको सुपीरियर किया जा सकता है मतलब उनको इंप्रूव किया जा सकता है आउटक्रॉसिंग सिंगल आउटक्रॉस से इनब्रिडिंग डिप्रेशन को भी हटाया जा सकता है और एक ये भी लगा ना एक अलग से क्वेश्चन हर्ड इंप्रूवमेंट झुंड सुधार ऐसा क्वेश्चन आ जाए झंड सुधार के लिए कौन सा है तो ग्रुप में इंप्रूवमेंट के लिए एम के अंदर बात लिखी हुई है ठीक है अच्छा टॉपिक है ये ब्रीडिंग वाला इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है एम मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी अच्छे से देखना है ठीक है तो ये अपना आंसर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा अगला क्वेश्चन उसी चैप्टर नंबर एट से है और नीट के अंदर कई बार ए आई डी ऑटो इम्यून डिजीज पर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी ए आई डी है या कौन सी ए आई डी नहीं है ऑटो इम्यून डिजीज इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसमें कई बार एक्सीडेंटली बॉडी का ही इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है उसकी एक कैपेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ वर्क नहीं करती है ऐसे में ये जो डब्ल्यू है वो हमारे ही सेल्स को हमारे ही एंटीजन को सेल्फ एंटीजन को नॉन सेल्फ मानते हुए उनके अगेंस्ट वर्क करती है और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है और इसमें क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज ठीक है रिम्योटोड uh, अर्थराइटिस ये घुटनों के अंदर रिमोटोइड फैक्टर की वजह से होने वाले एक डिजीज़ है ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आईजीएम एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है ग्रेविस अपने एलिवंथ के एनजीआई में लिखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एस सी उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन के उसको खत्म कर देते हैं जैसे मसल वीक होकर पैरालिसिस हो जाता है स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंस डिसऑर्डर इज नॉट इम्यून डिजीज इट इज ए इम्यूनोडेफिशियंस डिसऑर्डर लाइक एड्स एड्स में तो कॉजिंग एजेंट एक वायरस था और स्किड जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया और इसके अंदर ADA जीन जो है उसकी डेफिशियंसी की वजह से एडिनोसिन जी है इसका जो प्रोडक्ट है इससे बनने वाला एंजाइम जो है वो बोन मेरो के अंदर बी एंड टी लिम्फोसाइड जो है उसके फॉर्मेशन मैचुरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम में ए एम आई सी एम आई दोनों ही बन नहीं पाती है कमजोर हो जाती है और ये वाला इम्यूनो इम्यूनोडेफिशेंसी वाला है इसलिए इसको अपन लोगों ने इस ऑटोम डिजीज़ में नहीं लिया है ना ग्रेव डिजीज़ जो है एग्जोपथैलमिगोटर वाला जो है जिसके अंदर थायरॉयड के जो फॉलिकल्स हैं उसके ऊपर जो टी एस एच का जो रिसेप्टर है थायरॉइड स्टमलेटिंग हार्मोन का उस रिसेप्टर पे एंटीबॉडी जुड़ जाता है और वो एंटीबॉडी मिमिक्री करता है उस टी एस एच की तो टी एस एच के रिसेप्टर को ऐसा लगता है कि उन थायराइड फोलिकल पे जो सेल्स हैं उन सेल्स पे टीएसएस का रिसेप्टर है टीएसएच रिसेप्टर और उस पे टीएसएस ने जुड़ के क्या जुड़ गया ऑटो एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी और ये ऑटो एंटीबॉडी मिमिक्री करता है किसकी टीएसएच की तो रिसेप्टर को लगता है कि टीएसएच ही जुड़ा है ऐसे में अंदर की तरफ किसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है थायरोक्सिन का ठीक है तो ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है ठीक है और अपने को नहीं पूछा था तो आंसर हो जाएगा थर्ड आओ आगे बात करते हैं विच वन इज नॉट इंक्लूड एज एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एच आई वी इंफेक्शन अपने ट्वेल्थ की एनसीआर से हेल्थ एंड डिजीज इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ये रिस्क पे होते हैं ड्रग एडिक्ट भी होते हैं जो इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं और एडिक्ट हैं तो वो एक इंजेक्शन को बार बार अलग -लो, अलग लोग अलग अलग जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो ड्रग एडिक्ट एडिक्टू टेक ड्रग औरली नहीं औरली नहीं इंट्रावेनसली इसलिए ये वाला गलत हो गया बाकी ये देखें इंडिविजुअल वो रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन लोगों को बार बार खून की जरूरत पड़ती है जिनके अंदर एनीमिया हो जैसे थैलेसीमिया हो है ना तो और ऐसे कंडीशन के अंदर उनको फ्रेश ब्लड लेना पड़ता है तो बाई चांस कोई इन्फेक्टेड ब्लड बॉडी में चला जाए तो वो रिस्क पे होते हैं तो ये वाला भी ठीक है और एक ऐसा बच्चा जो एच आई इंफेक्टेड मदर से पैदा हुआ है वो भी रिस्क पे होता है तो अपने को नहीं पूछा तो आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा वो भी सही हो जाता अगर ओरली की जगह क्या होता इंट्रावेनसली ठीक है <coughs> अगला देखें व्हाट आर द कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कब हो सकता है तो देखें जब वो यूजर फ्रेंडली हो ईजिली हो यूज करने में इजीली अवेलेबल हो मार्केट में जल्दी से मिल जाए इफेक्टिव हो प्रभावी हो उसकी सक्सेस रेट ज्यादा हो रिवर्सिबल और जब चाहें कि अब प्रेगनेंसी जो है आ, उसके लिए कोई कपल सोच रहा कि अब उन फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो जैसे ही उसका उसको उसके यूज को किया जाए तो आ, फिर प्रेगनेंसी हो सके इस टाइप का वो होना चाहिए ना मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट कम से कम हो और इसके अलावा उसको यूज करते वक्त जो यूजर्स है उनको कोई दिक्कत ना हो है ना तो वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में सेक्सुअल एक्ट के अंदर कोई दिक्कत क्रिएट ना करे ऐसा भी वो होना चाहिए ना तो सारे के सारे जो ऑप्शन है यहां पर परफेक्ट हो रहे हैं इसलिए आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ठीक है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन हेल्थ एंड Uh, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है उसी से रिलेटेड है और यहाँ पर आईओडी के रेस्पेक्ट में पूछा है और कौन सी आईओडी कॉपर रिलीजिंग आयोडी तो वो हो जाएगा मल्टीलोड 375 ये देखो लि लिवनोजेस्टिरोन एल एन जी और प्रोजेस्टिट ये दोनों तो हार्मोन मेडिकेटेड आईओडी है और ये देखो लिपेस लूप नॉन मेडिकेटेड आईओडी है ना तो अपने को कॉपर रिलीजिंग पूछा था तो आंसर हो जाएगा वन ओके okay, अगला देखें में से से कौन सा एक प्राकृतिक संबंधित नहीं है मतलब सिलेक्शन तो पहला देखें ह्यूमन एक्सप्लोटेड द वेरिएशन नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल आपको याद होगा चैप्टर नंबर फाइव ट्वेल्थ के एनसीआरटी में जेनेटिक्स वाला उसके स्टार्टिंग में पहले पन्ने पर नीचे नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारे एनसिस्टर हैं उनको 8000 से 1000 हज़ार बीसी पहले ही ये पता था कि जो वेरिएशन है उसका एक कोज सेक्सफुल रिप्रोडक्शन भी छुपा हुआ है और इसीलिए ह्यूमन ने अपने सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनकी जो वेरिएशन है उनको यूज़ किया और आर्टिफिशियल सेलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से उन्होंने वाइल्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनको घरेलू बनाया वाइल्ड मतलब जंगली है ना तो वाइल्ड वहां पर एक एग्जांपल साईवाल काऊ का भी लिया है है ना तो ये लाइन वहीं से ली हुई है और ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है तो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशन नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल तो ये वाला तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से रिलेटेड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये देखें मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप मनुष्य ने कई जंगली जानवर और फसलों को पालतू बनाए ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के अंदर ये ट्वेल्थ के एन सी आर टी में एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर सेवन उसमें आर्टिफिशियल सेलेक्शन की बात हुई है वहीं पर यह लाइन दी हुई है और ये वाला भी किससे रिलेटेड है आर्टिफिशियल सेलेक्शन क्रॉस ब्रिडिंग ये अपना एनिमल uh, हजबेंड्री जो है उसके अंदर जो ब्रीडिंग वाला पार्ट है इन ब्रीडिंग ब्रीडिंग आउट 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 ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग संक्रहण और ये भी एक तरीके से क्या है आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिजायरेबल ट्रेट वाले जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग ब्रिड वाले उनके बीच में क्रॉस हो रहा है क्रॉस ब्रिडिंग और ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल सिलेक्शन से रिलेटेड हो रहा है लेकिन ये देखो ड्रग रेजिस्टेंस इन यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल कई ऐसी यू कैरियोटिक सेल्स हैं जो पैथोजेनिक होती है जैसे प्रोटोजोआ है और फंगस है इनके अगेंस्ट कुछ ड्रग्स यूज हम लोग करते हैं लेकिन उन ड्रग के भी एक्सेसिव यूज़ की वजह से इनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है और ये तो नेचुरल सिलेक्शन वाला है ये तो नेचुरल सिलेक्शन वाला है और ये एवोल्यूशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन एज ए एविडेंस जो पार्ट है उसके अंदर दिया है ना पर इंडस्ट्रियल मिलिनिज्म है हार्बिसाइड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस है और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और यूकैरियोटिक के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस के लिए लाइन दी हुई है ना तो और ये एंथ्रोपोजेनिक भी है इन में इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी रिफ्लेक्ट होता है लेकिन अपने को नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड पूछा था इसलिए अपने अंदर आंसर मतलब यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा फोर ठीक है आओ अगला क्वेश्चन अगेन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इम्यून सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है इम्यून सिस्टम में आप लोग जानते हैं दो टाइप की इम्यूनिटी है इननेट एंड एक्वायर्ड है ना तो क्या पूछा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू आर विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ़ इम्यूनिटी है ना तो स्किन और म्यूकस कोटिंग या म्यूकोसा सही है सेलुलर बोनोसाइड मैक्रोफेज एनसीड लिखी है ये भी सही है और साइटोकाइन के अंदर इंटरफेर आते हैं लेकिन एचसीएल जो तो स्टमक वाला है वो तो फिजियोलॉजिकल में आता है इसलिए यहाँ पर जो रोंग हो गया वो कौन सा हो गया ठीक है तो ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन कौन से हो गए सेक्शन ए से रिलेटेड जो आपको सारे करने कंपलसरी थे लेकिन अब सेक्शन बी जो है उसके क्वेश्चन है जिसके अंदर 15 में से आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने थे वन बाय वन इनकी भी बात कर लेते हैं हाँ तो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर वन देखें Uh, यहाँ पे कॉकरोच जो है उसके लिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉइंट इन द बॉक्स आर रिलेटेड विद ओनली फीमेल कॉकरोच इस पे तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ओनली फीमेल ओनली मेल एंड ऐसा कौन सा है जो कॉमन है मेल में भी हो और फीमेल में भी हो तो तीनों टाइप के क्वेश्चन जो उनको आपको अप्रोच करना है तो यहां पर जैसे ओनली फीमेल पूछा चलो ठीक है एनल सर्कस कॉमन है मेल में भी है फीमेल में भी है नहीं है, ये ओनली मेल में है समझ रहे हो? के स्टोरेज के लिए, जब होपुलेशन होता है और फीमेल मेल से स्पर्मेटोफोर लेती है और स्पर्मेटोफोर से स्पम को स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेती है तो ये तो फीमेल के अंदर है है ना? वेसिकल मेल, ये मेल में होता है ग्लैंड ओनली मेल मोजेक विजन दोनों में है तो कॉमन हो गया अगर अभी तक देखें दोनों में कॉमन कौन से हैं तो एनल सर्कस और मोजेक विजन दोनों में कॉमन है ओनली मेल कौन सा है ओनली मेल कैडअल स्टाइल और सेमाइनल वेसिकल और ग्लैंड है लेकिन ओनली फीमेल के लिए हमने हमें अभी देखना है विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एपडोमेन ये ओनली मेल है ये, ये मेल तो का है ये कॉकरोच में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है है फिर ये फीमेल बनाती आपको याद होगा चौदह से सोलह फीमेल ब्रॉड एपडोमिजन में फीमेल का एपडोम ब्रॉड होता है ओनली मेल फीमेल हो गया बोट ओनली फीमेल हो गया तो आंसर कितना हो गया अपना वन टू वन टू थ्री और एक कौन सा रहेगा ये रहा ये रहा. वन टू थ्री एंड फोर तो आंसर हो जाएगा फोर तो ध्यान रखना ओनली मेल ओनली फीमेल और दोनों में कॉमन हो समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर हो जाएगा ओनली फीमेल पूछा था इसलिए आंसर फोर है अगला क्वेश्चन देखें जब भी एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग पर पहुंचता है तो अगली जो सेल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर कुछ पूछा हुआ है ना तो अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरोन है ना ट्रिगर इवेंट दैट मे तो अगली सेल जो है वो न्यूरोन भी हो सकती है और अगली सेल मसल भी हो सकती है जो न्यूरोन ही हो ना तो अगली सेल को स्टमुलेट भी किया जा सकता है और कैसे अगर एक्साइटेट्री एंटीम हो जैसे एसिटल कोलाइन तो वो सोडियम चैनल को ओपन करेगा तो डीपोलराइजेशन से एक्साइट हो जाएगी है ना तो स्टिमुलेशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरोन चलो ठीक है इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरोन चलो ये भी ठीक है फिर है स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट अदर सेल्स ओनली अदर सेल्स ओनली मान लो मसल ही केवल है नहीं मसल के अलावा वो भी हो सकता तो ये वाला तो गड़बड़ हो गया फिर ये देखें कि स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट एंड अदर सेल ये वाला परफेक्ट ऑप्शन है अगर इसको लगाएंगे तो वन और टू अपने आप अप सही हो जाएगा अगली सेल स्टूमुलेट भी हो सकती है अगली सेल स्टूमलेट कब होगी जब एक्साइटेड एंटीएम आएगा जुड़ेगा एनए प्लस अंदर जाएगा अगली सेल इनिबिट कब होगी जब इनिबिट्री एंटीएम आएगा जैसे डोपेमाइन और वो यहाँ पर क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा सी एल माइनस क्लोराइड अंदर आएंगे और ये हाइपरपोलराइज हो जाएगी तो अगली सेल एक्टिवेट भी हो सकती है अगली सेल इनिबिट भी हो सकती है अगली सेल न्यूरोन भी हो सकती है और अगली सेल अदर सेल भी हो सकती है अदर देन न्यूरॉन है ना तो इसलिए ऑप्शन अपना फोर हो जाएगा और पता है कहाँ लिखा है ये हिस्टोलॉजी के अंदर जो नर्वस टिश्यू उसमें लिखा हुआ है ठीक है देख लेना आप लोग अगला क्वेश्चन देखें अपने फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो रेगुलेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये दिया है तो पहले मैं सारे ऑप्शन को मैच कर देता हूँ जैसे है मध्यांश मेडुला तो मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है और वो किसको कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम को एक मैच ये रहा है पौंस के अंदर जो है कीमो रिसेप्टर नहीं होते वॉमिटिंग सेंटर नहीं होता कार्डियक सेंटर नहीं होता लेकिन पौंस में क्या है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है वो रेस्परेटरी रिदम सेंटर जो है उसको इविट करता है इस तरीके से है ना एक तो मैच ये बैठ रहा है इसके अलावा कैरोटिड आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी ये जो कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी और एटिक आर्क है इसमें कुछ कैरोटिड एरोड बॉडीज होते हैं कीमो रिसेप्टर तो इसका बैठ गया कीमो रिसेप्टर से और ये कब एक्टिवेट होंगे जब प्योर जब हमारा आर्टरी वाला जो ब्लड है उसमें सीओ टू एच प्लस ज्यादा हो सॉरी तो सी का सी और थर्ड बैठ रहा है इसके अलावा ये दो और बच गए इसको भी मैच कर लेते हैं वोमिटिंग सेंटर पौस में है या मेडोला में तो वॉमिटिंग सेंटर तो आप लोग जानते हैं किसमें है मेडुला में और ये क्या करता है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट इसके अलावा कार्डियक सेंटर भी कहा है बताओ कार्डियक सेंटर भी कहा है मेटुला में और ये किसको कंट्रोल करता है कार्डियक फंक्शन को उसको बढ़ा भी सकता है बैक नॉर्मल भी कर सकता है अब इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन e देखना है ठीक है तो ए का बी ए का बी और बी का टू ये चलो ठीक है बी का ए बी का ए का वन भी ठीक है सी का ई देखना है क्या सी का ई e तो नहीं बैठ रहा भाई इनके अंदर किमो रिसेप्टर नहीं है इस वजह से ये गलत हो गया ए ए का भी है क्या? चेक करो ए का भी है बी का टू बी का टू भी चलो बैठ जाएगा बी का सी बैठ रहा है क्या? पूंस में किमो रिसेप्टर तो नहीं होते बेटा ये तो गलत हो गया और सी का डी है क्या? भाई ये गलत हो गया तो आगे क्यों देखें है ना तो ये वाला भी रोंग हो गया ए का ई e चेक करो ए का ई e ए का ई e, चलो ठीक है ई e का फाइव ये बैठ रहा है बी का ए चेक करो बी का ए सही है और ए को किससे लेट कर दिया टू से रेस् रेस्परेटरी रिदम नए ये गलत हो गया ये वाला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। फिर ये देखो ए का डी ए का डी वोमिटिंग सेंटर ठीक है और डी को इंजेक्शन से लेट कर दिया चलो ठीक है बी का ए ए सेवन बैठ रहा है सी का सी और फिर थर्ड ये अपना परफेक्ट मैच हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा फोर्थ तो अच्छे से इसको आप लोग अगर गलत हुआ है तो एन खोल के बैठें रेगुलेशन वाले पैराग्राफ में उसको बढ़िया से पढ़ें और एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें आपका सही हो जाएगा ठीक है और ये जो वॉमिटिंग वाला है ये चैप्टर नंबर से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर जो है वहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो वहाँ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों को रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ओके okay, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं वही देखने का स्टेटमेंट वन देखें व्हेन वन कार्डियक सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर आल्सो स्टमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है जब एक कार्डियक सेल को स्टूमुलेट किया जाता है तो बाकी की भी स्टमुलेट हो जाती है क्योंकि इनके बीच में गैप जंक्शन है इंटरकलेटेड डिस्क और वहीं से सारी सेल एक साथ एक्टिवेट होती है और एक साथ सब कॉन्टेक्ट होती है है ना? तो देख सेकंड क्या लिखा है? कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकलेटेड डिस्क एट फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्टेक्ट इज यूनिट, है ना तो बिल्कुल सही है कि फ्यूजन पॉइंट पे जो यूनिट्स हैं वो एक साथ इनको अलाउ करती है कॉन्टेक्ट होने के लिए तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहले दोनों स्टेटमेंट सही तो ये तो गड़बड़ हो गया वो स्टेटमेंट आर राइट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन है ना तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा थर्ड चलो आगे बढ़ते हैं ओके ये अच्छा क्वेश्चन है ये कार्डिक साइकिल और इस चीज से लेट करके ये क्वेश्चन जो बनाया हुआ एक बार आपको मैं समझा जैसे <coughs> ये देखो मान लो इनर रिंग ऑरिकल से लेट कर दें और ऑरिकल में ये जो रेड वाला पार्ट है ये सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी का जो व्हाइट वाला वो डाइस्टोल के लिए आउटर रिंग जो वो वेंटिकल के लिए और ये रेड वाला सिस्टोल है और बाकी जो ब्लैंक पड़ा है वो डाइस्टॉल है ठीक है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वन सेकेंड पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट थ्री सेकेंड पॉइंट फोर सेकेंड पॉइंट फाइव सेकेंड पॉइंट सिक्स सेकेंड पॉइंट सेवन एंड पॉइंट एट सेकेंड ठीक है आप लोग देखें कि पॉइंट वन सेकेंड के लिए में क्या हो रहा है सिस्टोल और अपना जो ई है उसमें देखें पी वेव फिर क्यू फिर आर फिर एस और फिर टी थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा hmm, कहाँ ले यही ले, ले लेते हैं पी hmm, फिर Q, R, S, फिर T और ये नेक्स्ट P, ठीक है तो यहां लिख देता हूं P, Q, R, S, T और ये नेक्स्ट P, ओके ओके तो पॉइंट वन सेकेंड के लिए ओरिकल में सिस्टोल हो रहा है तो ये वाला देखो पी वाला ये ओरिकुलर सिस्टोल के लिए और जब भी ओरिकल में सिस्टोल होगा उस दौरान मतलब इस दौरान जब ऑरिकल में सिस्टोल जारी है तो इस दौरान एवी वी वॉल पहले से ओपन है और इस दौरान जो है वो एस एल पहले से क्लोज है और जब ऐसा है एवी ओपन है तो ऑरिकल में जो सिस्टोल हो रहा है उसकी वजह से 30 परसेंट ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंटिकल में चला जाता है ऑरिकल से वेंटिकल में तभी जाएगा ना जब एवी वी वॉल ओपन हो और उस दौरान एस एल जो है वो क्लोज होता है और इसके लिए पी वेव जो वो मार्क हो जाती है ठीक है उसके बाद इस पॉइंट पे आप लोग देखें कि ओरिकल में सिस्टोल खत्म हो गया है डायस्टोल स्टार्ट हो गया और वेंटिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो गया है और जब भी वेंटिकल में सिस्टोल स्टार्ट होता है तो आप लोग देखें जैसे ये वेंटिकल वाला पार्ट है ये वेंटिकुलर सेप्टा है तो वेंटिकल में डीपोलराइजेशन सबसे पहले दोनों वेंटिकल के सेप्टा का होता है उसके लिए क्यू वेव बनती है फिर इनके मेन पार्ट का डीपोलराइजेशन होता है ये लोअर पार्ट का उसके लिए आर बनती है मेन पार्ट जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है तेजी से कॉन्टेक्ट होगा इसलिए उसका वैक्टर भी वो मतलब मशीन के अंदर उसके लिए जो निडल है वो काफी ऊपर जाएगी क्योंकि थिकनेस काफी ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा डीपोराइजेशन होगा इसलिए काफी फास्ट ऊपर जाएगा तो आर वेव ये वाला पॉइंट है इसका मतलब है कि अगर वेंटिकल का ये वाला पार्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है इसमें मायोकार्डियम भी ज़्यादा है इसका मतलब डिपोलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा ऐसे में इसी जी मशीन इसको काफ़ी ज़्यादा रीड करेगी और पीक काफ़ी हाई जाएगी और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन है स्ट्रॉन्ग सिस्टोल है और इसी लिए जो आर वेव है ये वाला पॉइंट ये देखो ये वाली ये आर वेव को शो कर रहा है और इसी पॉइंट वन वाले पार्ट पे अपना ए वी वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा क्लोज्ड और फर्स्ट हार्ड साउंड आएगा और इस दौरान एसल क्लोज है इनिशियली जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तब चारों जो वाल्व वो बंद रहते हैं ऐसे में आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल होता है कि है ना सिस्टोल तो जारी है लेकिन ब्लड बाहर निकल ही नहीं, नहीं पा रहा है लास्ट में जब ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होगा तो उसको सेंस करके एसल वॉल इस पॉइंट पे ओपन होंगे एसल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा ओपन और जैसे इस पॉइंट पे एसएल ओपन होगा तो ओपन होते ही जो रैपिड ब्लड का वो इजेक्शन हो जाएगा समझ रहे हो तो <coughs> जब ब्लड बाहर की तरफ इजेक्ट हो, आउट होगा तो धीरे धीरे वेंटिकल में ब्लड जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा बीपी कम हो जाएगा तो आप लोग देखें कि इस पॉइंट से लेके बिल्कुल इस पॉइंट तक ये पॉइंट थ्री जो है इस दौरान वेंटिकल में क्या हो रहा है सिस्टोल और इस पॉइंट के आ, एंड में मतलब टी के में, टी के एंड में वेव क्या है देखो क्यू जो है वो सेप्टा का, है, आर पार्ट का है, और लास्ट में इसको तो क्यू आर और एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को अपन लोग काउंट करके हर्ट बीट का पता लगा सकते हैं लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है, में सिस्टोल जा रही है लेकिन टी वेव जो है वो वेंटिकल के रिपोलराइजेशन को शो करता है लेकिन जब तक पूरा वेंटिकल अंदर से रीपोलराइज नहीं हो जाएगा इस तरीके से क्योंकि वो रिपोलराजेशन की रिपोलराइजेशन की स्टार्टिंग इस तरफ से होती है तो आगे वाला पार्ट अब भी अंदर से प्लस है और जब तक आगे वाला पार्ट अंदर से प्लस रहेगा तब तक सिस्टोल जारी रहेगा तो आ, टी वेव जो वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन के लिए तो है लेकिन जब तक वेंट्रिकल पूरा अंदर से माइनस नहीं हो जाता तब तक सिस्टोल जारी रहेगा और ये पूरा माइनस अंदर से कब हो जाएगा इस टी वेव के एंड में इसलिए टी वेव का एंड वेंट्रिकल में सिस्टोल का एंड है समझ रहे हो आप तो टी वेव का एंड यानी वेंट्रिकल में सिस्टोल का एंड ये हो गया और इस पॉइंट पे एस एल जो है वो क्लोज हो जाएंगे और सेकेंड हेड साउंड आएगा डब तो फर्स्ट साउंड और सेकेंड साउंड के बीच में कितना टाइम लगा पॉइंट थ्री सेकेंड या एवी वॉल और एस एल वोल के क्लोज होने के बीच कितना टाइम लगा पॉइंट थ्री सेकेंड समझ रहे हो ओके उसके बाद आप लोग देखो कि चारों चैंबर जो रिलैक्स है ये है ज्वाइंट डायस्टोल इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल और इस दौरान आप लोग देखें बिल्कुल इस पॉइंट पर एवी ओपन हो जाएगा ए जो यहाँ पर क्लोज हुआ था अब ओपन चारों चैम्बर जैसे तो सेवन से ब्लड आ गया अब बचा हुआ थर्टी परसेंट ब्लड नेक्स्ट साइकिल में वापस देखो पॉइंट वन सेकंड के लिए ओरिकल में क्या हुआ सिस्टोल और जैसे पॉइंट वन सेकंड के लिए सिस्टोल होगा तो फिर वो

वो डिपोलेशन ऑफ एंट्री है बिल्कुल सही है और इस दौरान जैसे ही उसके अंदर डिपोलेशन होगा तो सिस्टोल होगा अंदर प्लस बारह माइनस से और इससे वेंटिकल में थर्टी परसेंट ब्लड का फ्लो और बढ़ जाएगा सेवेंटी परसेंट पहले से भरा हुआ है जॉइंट के दौरान और इस दौरान आईसी देखो कि एस तो पहले से क्लोज है और एवी भी पहले से ओपन है अभी अभी एक्सप्लेन किया था मैंने वीडियो को वापस पीछे करके आप लोग देख लो समझ रहे हो तो ये वाला तो परफेक्ट है दूसरा देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंटिकल के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को शो करता है में सिस्टोल के लिए और इस दौरान आप लोग देखें एवी वॉल की क्लोजिंग किस पॉइंट पे आर वेव पे आर वेव वेंटिकल के सबसे मेन पार्ट के सिस्टोल को शो कर रही है है ना इसलिए उसी पॉइंट के ऊपर एवी क्लोज होता है और उसी पॉइंट पे फर्स्ट हर्ट साउंड भी प्रोड्यूस होता है टी वेव देखें रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बिल्कुल सही है अ द स्टार्ट ऑफ टी वेव नहीं स्टार्ट नहीं यहां पर क्या आता एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल इन वेंट्रिकल ये वाला गड़बड़ हो गया लेकिन ये ठीक है कि टी वेव के दौरान क्लोजिंग ऑफ एसएल होता है क्लोजिंग ऑफ एसएल वॉल एट द एंड ऑफ टी वेव ये थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है पहले वाला भी ठीक है लेकिन जो टी वी के लिए मिडिल स्टेटमेंट दिए ये गलत है ये भी गलत क्यों स्टार्ट की जगह क्या था एंड है ना फिर लास्ट में देखिए बिटवीन द एंड ऑफ टी टी के एंड में एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पी ये जॉइंट डायस्टॉल था बिटवीन द एंड ऑफ टी एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पी ये जॉइंट डायस्टॉल इस दौरान आप लोग देखें कि इस टी के एंड में जब एसएल uh, क्लोज हो जाता है और उसके कुछ टाइम बाद एवी ओपन हो जाता है ये वाला भी ठीक है तो गलत कौन सा हो गया यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया और वो भी मिडिल स्टेटमेंट के कारण है ना तो इसको एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे लेके और इसको अच्छे से समझ ले अच्छा कॉन्सेप्ट है आपको आना चाहिए अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपका सही टाइम पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और इसका बेनिफिट ले बाई चांस नीट में आ जाए तो बेनिफिट होगा ओके बेस्ट ऑफ लक आगे देखते हैं <coughs> ओके ये क्वेश्चन जो है ऑर्गन ऑफ से रिलेटेड है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी है ना और उन्हीं के रेस्पेक्ट में पूछा है कि किन्होंने इसके रिगार्डिंग खोज की थी तो एल्फोंसो कोल्टी ये अपने एनसीईआरटी में एलेंथ की एनसीईआरटी में अलग अलग यूनिट्स कि जो स्टार्टिंग हुई है वहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में अलग अलग साइंटिस्ट दिए हैं ये वाले अर्नेस्ट मेयर है के, ये कहते थे राइन ऐसा है रामाचंद्रन है एल्फोंस ऑकोर्टी थोड़ा थोड़ा आप लोग एन में इसके रिगार्डिंग पढ़ लें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा बाई चांस नेट में आ जाए तो बेनिफिट होगा है ना तो एल्फोंस ऑकोर्टी जो है इन्होंने स्टार्टिंग में रेप्टाइल में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर स्टडी की थी और बाद में इन्होंने मेमल्स के अंदर ऑडिट्री सिस्टम जो है उसके रेस्पेक्ट में बात की थी और ये जो कॉकलिया है इसके रेस्पेक्ट में बात कॉकलिया के अंदर जो बैचलर मैम्बरे है उसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टी की खोज की थी तो उन्हीं के लिए ये आपको याद रखना है एन में दिया हुआ है ना ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट के रिगार्डिंग है आप लोग एन के अंदर अलग अलग जो यूनिट्स हैं इलेवंथ वाली जो यूनिट्स हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समय निकाल के सबको देखें रामाचंद्रन ने ये प्रोटीन की कन्फर्मेशन के लिए रामाचंद्र प्लॉट दिया था काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये देखो अल्फोंसो कोटी है ना एल्फोंसो कोर्टी ने ये कैसे कैरियर को स्टार्ट किया बाकी इसमें मेन जो है कि स्टार्टिंग में रेप्टाइल पे वर्क किया और उसके बाद में मैमल्स के अंदर ऑडिट्री सिस्टम पे इन्होंने वर्क किया ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है और आज बीसवीं शताब्दी के मेंडल कौन है एक ऐसा ये देखो अर्नेस्ट मेयर वाला ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और आप लोग एनसीआर के अंदर देखें एनसीआर में पूरा लिखा हुआ है मैंने स्टेटमेंट हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेना है ना बाई चांस नीट में आ जाए तो ओके okay? आगे चलते हैं ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए चलो देख लेते हैं कि जो इनेमल है वो टीथ की हार्ड चीविंग सरफेस है बिल्कुल सही है बॉडी जो है वो स्टमक का सेंट्रल मेन पार्ट है बिल्कुल सही है कार्डियक uh, पार्ट है फंडस है मिडल बॉडी वाला पार्ट है वो मेन पार्ट है कोलोन को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता सही है पुरानी एनसीआर में तीन थे अब असेंडिंग ट्रांसफर्स डिसेंडिंग सेग मॉडल चार हो गया फिर देखा कि जो विलाई है या विलस उसके अंदर कैपलरीज का नेटवर्क ब्लड कैपलेटीज और लार्ज लिम्पेटिक वेसल लेप्टियल है यहाँ पर क्या लिखा है विलाई आर सप्लाइड विद विद ए नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी नहीं यहाँ पर आएगा ब्लड कैपिलरी और यहाँ पर लार्ज ब्लड वेसल की जगह लार्ज लिम्फेटिक वेसल लेप्टियल आता है इसलिए गलत हो गया ये वाला फॉर्म ठीक है अगला क्वेश्चन देखें फिजियोलॉजी से डिसऑर्डर को मैचिंग वाला है फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब इनडाइजेशन हो गया ब्रोंकाई ब्रोंकियोलो bronchi, वाला अस्थमा हो गया हार्ट बीट अगर रुक जाए तो कार्डियक अरेस्ट वाला हो गया इनसोल मास वाला कौन सा हो गया रेनल और वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो टिटेनिक वाली कंडीशन आ जाती है और मसल कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में चली जाती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको मैच कर लेना आपका आंसर सही बैठ जाएगा आगे देखें द रीजन आउटसाइड द सेमिनी फेस्टिव्यूल सेमिनि फेरेस्टिव्यूल का जो कट सेक्शन है उसके बाहर की तरफ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती है बी लिफोसाइड टी लिफोसाइड जो पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं और ये अंदर ना आ जाए इसलिए सर्टोली सेल ब्लड टेस्टेस्ट बैरियर भी बनाती है लेकिन यहाँ पर इनका यूज क्या है कि डिफेंस के लिए समझ रहे हो इसके अलावा लीडिंग सेल्स भी होती है लीडिंग सेल्स जो एंड्रोजन बनाती है और इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी होती है एनसीआर लिखा है है ना तो स्मॉल ब्लड वेसल्स लीडिंग सेल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स ये फोर्थ लगा देंगे तो ये परफेक्ट कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा ना? है ना गलत ये भी नहीं है गलत ये भी नहीं है गलत ये भी नहीं है लेकिन इसके अंदर तीनों आ गए इसलिए फोर्थ ऑप्शन अपना परफेक्ट हो जाएगा <coughs> ठीक है चले आएंगे अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक साठ साल की महिला है जिसके चार बच्चे हैं और उसने अपने फर्टाइल पीरियड मतलब मीनार से मीनो के बीच में जो चार बच्चे पैदा किए थे तो उस दौरान उसके बाद उसके लिए पूछा है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसने अपने लाइफ में कितने सेकंड पोलर बॉडी बनाए आप लोग जानते हैं कि वो जनेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर दो पोज होते हैं फर्स्ट पोज सेकंड पोज और सेकंड पोज जो होता है वो मेटाफेज सेकंड में होता है

तो उस फीमेल के चार सेकेंडरी ऊसाइड फर्टिलाइज हुए हैं ऐसे में उसके अंदर कितने सेकेंड पोलर बॉडी बनेंगे फोर तो सिंपल आंसर था फोर ठीक है चलो <coughs> ओस्मो रिसेप्टर का एक कॉन्सेप्ट है आप लोग इसको भी समझ लें देखें कि अगर जो ब्लड है ब्लड के अंदर वाटर का लेवल क्या है कम है ना और ब्लड जो है उसका वॉल्यूम क्या है कम और ब्लड की ब्लड है हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक तो ऐसा हाइपरटोनिक ब्लड मतलब इसकी ओस्मोलिटी मान लो 300 प्लस है 300 या मैं कहूँ 400 300 प्लस हाइपरटोनिक ही होता है ना मिली ओस्मो पर लीटर तो ऐसा हाइपरटोनिक ब्लड जब हाइपोथेलेमस के पास आएगा तो ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे इससे हाइपोथेलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और इस एक्टिवेशन की वजह से हाइपोथलमस के एक्टिवेशन की वजह से ए का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और इससे वाटर का रीऐब्जर्प्शन बढ़ जाएगा किडनी से और वाटर का अगर री बढ़ेगा तो किडनी जो यूरिन बनाएगी वो काफ़ी कम बनाएगी यानी ये यूरिन का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा कम यूरिन वॉल्यूम कम और यूरिन की ओसमोलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी यूरिन भी क्या कैसा होगा हाइपरटोनिक ये रूल है अगर ब्लड हाइपरटोनिक तो यूरिन यूरिन भी हाइपरटोनिक तो ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट हुए जब ब्लड वॉल्यूम कम था ऑसमोलिटी ज्यादा थी समझ रहे हो वॉटर कंटेंट कम था तो हाइपर ऑस्मोटिक सेट पॉइंट तीन सौ मिली ऑसमो पर लीटर है तो अगर उससे ज्यादा ऑस्मोलिटी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ऐसे में हाइपोलमे एक्टिवेट इसको बढ़ाएगा और ये वॉटर का रिओब्शन करेगा इससे यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ब्लड अगर हाइपरटोनिक तो यूरिन भी हाइपरटोनिक एक और चीज समझ लें <coughs> अगर इसका उल्टा वाटर का लेवल ब्लड में क्या है ज्यादा और ब्लड कैसा हो गया ब्लड हो गया मान लो हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक तीन 300 से कम है ऐसा हाइपोटोनिक ब्लड जब हाइपोथेलेमस के पास आएगा तो ऑस्मो रिसेप्टर डीएक्टिवेट इससे हाइपोथेलेमस डीएक्टिवेट इससे एडीएस का लेवल कम हो जाएगा और इससे वाटर का रीअबसन कम हो जाएगा और किडनी यूरिन का फॉर्मेशन क्या करेगी ज्यादा यूरिन ज्यादा बनेगा देखो तो यूरिन की बॉडी ड्रॉप बन गई ऐसे में यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा यूरिन वॉल्यूम ज्यादा और यूरिन भी हो जाएगा हाइपोटोनिक तो अगर ब्लड हाइपोटोनिक तो यूरिन भी हाइपोटोनिक और अगर ब्लड की ओस्मोनोलिटी कम है तो उसमें रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो जाएंगे और अगर ब्लड की ओस्मेलिटी ज्यादा है तो उसमें रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगी ध्यान रखना ठीक है अच्छा कॉन्सेप्ट था याद रखना है कल भी आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था और आज भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन बना मिला है ना तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं ऑस्मो रिसेप्टर इनपोथमस आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लू जब बहुत ज्यादा फ्लूड का लॉस होगा वाटर की कमी हो जाएगी और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा ऐसे में ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएंगे इंक्रीज इन बॉडी फ्लूड नहीं इससे तो गड़बड़ हो जाएगा इससे तो स्विच ऑफ हो जाएगा ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम नहीं इससे भी गड़बड़ होगा और लो ऑसमिटी नहीं हाई ऑस्मोलिटी के दौरान एक्टिवेट होगा तो आंसर हो जाएगा वन तो ठीक है <coughs> अगला क्वेश्चन देखें इन विवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो देखो जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यानी इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइज करके आठ सेल स्टेज तक के एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये तो हो गया कौन सा इन विट्रो जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इंट्रा यूटरिन ट्रांसफर अगर 8 सेल स्टेज से ज्यादा एम्ब्रियो है लैबोरेटरी फर्टिलाइजेशन के बाद में तो उसको सीधा वोम में ट्रांसफर करते हैं यानी इसमें भी फर्टिलाइजेशन कैसा है इन विट्रो गेमेट इंट्राफिलोपिन ट्रांसफर में आ, मेल फीमेल गेमेट को सीधा ओविडक्ट में ट्रांसफर करते हैं और वहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो ये हो जाएगा इन विवो और फिर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पम इंजेक्शन अगर स्पम में मूवमेंट बिल्कुल नहीं है पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तो सीधा अंडे को अलग करके उसके साइडोब्लाज में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू स्पम को पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद में या तो किया जाता है आईयूटी यानी ये भी कैसा है इनविट्रो इनविट्रो ए आई आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन यानी इसमें बॉडी के अंदर सीमन डाला जा रहा है तो ये हो गया इन विवो इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन यानी ये ए का पार्ट है इसका मतलब ये भी इन विवो यूट्रस में सीमंडा ला जा रही है और -like से और फिर या तो इलाइट से मेट या तो से कराया किया और फिर एम्ब्रियो को आठ से बत्तीस में सर्जिकली अलग किया सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया तो आप लोग बताओ इन या विट्रो तो यहां पर हो जाएगा इन विवो तो इन विवो कितने हैं चेक करो इन विवो वन टू एंड थ्री एंड फोर तो इन विवो तो हो गए फोर इन विवो फोर कौन से एक तो ये रहा इन विवो एक ये रहा इन विवो एक ये रहा इन विवो एक ये रहा तो इन विवो तो फोर इन विट्रो वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री तो तीन हो गए इन विट्रो तो आंसर हो जाएगा सेकंड याद रखना बढ़िया अच्छा ठीक है आओ हाँ, आगे बात करते हैं

डोमिनेंट एक्स उसकी हर एक बेटी में जाएगा ना तो इस बेटी में भी तो आएगा इस डॉटर में भी तो ये डॉटर फिर हेल्थी कैसे हो है सकते हैं तो एक्स लिंक डोमिनेंट की शर्त है कि अगर फादर में डिजीज है तो डॉटर भी अफेक्टेड होगी लेकिन यहाँ पर डॉटर में डिजीज नहीं है इसलिए ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है एक्स लिंक रिसेसिव बैठ जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव में देखें जिनो टाइप लिख देता हूँ मैं एक्स वाई स्मॉल आर फिर ये देखें एक्स एक्स अब सन में डिजीज है और एक डॉटर में भी यानी मदर कैरियर है ये देखो इस डॉटर में डिजीज है तो फादर से भी स्मॉल ए लिया गया हाँ आर लिया मैंने तो फादर से स्मॉल आर और मदर से भी स्मॉल आर डिजीज़ हो गई और यहाँ देखें फादर से वाई और मदर से स्मॉल आर बेटे में रोग आ गया ये बेटी स्वस्थ है तो मदर से कैपिटल आर और फादर से स्मॉल आर ये कैरियर होगी लेकिन हेल्दी है एक्स एक्सलिंग रिसेसिव भी है लेकिन कौन सा नहीं है एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट क्यों नहीं है क्योंकि फादर में डिजीज है तो हेल्दी डॉक्टर पॉसिबल नहीं है अगला क्वेश्चन देखें से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहां पर करेक्ट सेलेक्ट ऑड वन ऑप्शन देखने हैं वर्टिब्रेट के लिए देखो फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स तो देखें सर्कुलेशन सबसे पहले ए में ए के लिए सर्कुलेशन क्या दिया फिश है सिंगल सर्कुलेशन है सही है एम्फीबियन uh, इनकम्प्लीटबल सही है थ्री चैम्बर्ड है रेप्टाइल इनकम्प्लीटेबल सही है बर्ड्स फोर चैम्बर्ड डबल सर्कुलेशन है सही है मैमल फोर चैम्बर्ड डबल सर्कुलेशन सही है फिर ये वाला देखो स्किन uh, इसकी ग्लैंडुलर स्किन है स्केल्स के साथ फिश सही है एम्फीबियन में ग्लैंडुलर है लेकिन स्केल्स नहीं है सही है रेप्टाइल नॉन ग्लैंडुलर है लेकिन स्केल्स प्रेजेंट है बर्ड्स में नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है एक्सेप्शन केवल टेल वाला है ना लेकिन स्किन तो नॉन ग्लैंडुलर है ही विद फिदर तो चलो ठीक है लेकिन ग्लैंडुलर की जगह क्या होता है नॉन ग्लैंडुलर इसलिए गलत हो गया मैमल्स में ग्लैंडुलर है ईयर के साथ ये ठीक है बॉडी टेम्परेचर ये तीनों एक्टोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड डेवलपमेंट इसको छोड़ के सब में डायरेक्ट है इसके अंदर कैसा इनडायरेक्ट एडबल स्टेट तो गलत पूछा था तो गलत सेकेंड हो जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं ओके इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस वाला डिसऑर्डर है ना जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि अगर मदर आर एच नेगेटिव है और फादर जो है वो आर एच पॉजिटिव है ऐसे केस के अंदर जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो बेबी है उसको खतरा रहता है ना जैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें यहां देखो कि अगर फादर और मदर तो इन थ्रू ब्लास्टोसिस फिटलिस तो अगर फादर प्लस है और मदर माइनस है तो ये डिजीज होगी और कौन से बच्चे भी में भी सेकंड बेबी में लेकिन अगर ये दोनों माइनस है तो डिजीज़ नहीं होगी फादर माइनस मदर प्लस तो डिजीज नहीं होगी दोनों प्लस तो डिजीज नहीं होगी अगर कोई पॉजिटिव वाला है उसमें अगर कोई नेगेटिव है और उसके अंदर पॉजिटिव ब्लड आ जाए तब ये डिजीज़ होती है तो पहली प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान एक चीज़ देखो कि मदर तो है नेगेटिव और जो बच्चा है वो कैसा है पॉजिटिव तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरफ की जो आर एच पॉजिटिव आरबीसी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर ही नहीं सकती तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर में आर एच एंटीजन आएगा ही नहीं लेकिन ही फर्स्ट प्रेगनेंसी पूरी होगी और पार्चुरेशन का टाइम आएगा तो पार्चुरेशन के वक्त ये प्लेसेंटा टूट जाएगी और बच्चा तो बाहर आ जाएगा लेकिन बच्चे का कुछ ब्लड मदर में चला जाएगा तो पहले प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन होता है उस वक्त मदर में कुछ आर एच पॉजिटिव आर बी सी आ जाती है और मदर इम्यून हो जाती है और मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है एंटी आर एच एंटीबॉडी और सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अब मदर के अंदर क्या है आर एच के लिए एंटीबॉडीज तो ऐसे में अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई है तो ये एंटीबॉडी तो क्रॉस कर जाएंगे ना ये आई हैं और ये क्रॉस करके इन एंटीबॉडी पर अटैक कर देंगे और बच्चे के अंदर डिजीज हो जाएगी बच्चे के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और एनीमिया हो जाएगा उसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस कहते हैं बड़ी बड़ी आरबीसी बच्चे जो है उसके ब्लड के अंदर नजर आती है अगर डिजीज से बचना है तो चाइल्ड बर्थ के फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में बर्थ के तुरंत बाद मदर में एंटी आर एंटीबॉडीज दिए जाए रहो ऐसे में वो एंटीबॉडी मदर में जाके जितने भी आरबीसी आई है उन सबको न्यूट्रल कर देगा और मदर का इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा क्योंकि बाहर से जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन जैसी कंडीशन आई है, और वो एंटीबॉडी उन वह आरेंट, एंटीजन आरेंट, को न्यूट्रल कर देंगे ऐसे में फिर लंबे टाइम तक मदर के अंदर कोई भी ऐसा एंटीबॉडी नहीं होगा तो सेकेंड प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव पो, भी रही तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा समझ रहे हो तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर एंड में मिला हुआ है इलेवंथ uh, के एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग दी है भी आप लोग देख रहे हैं तो क्या पूछा है इनकरेक्ट फॉर एथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस है ना तो देखें ऑब्जर्व बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर बिल्कुल सही है विद आर पॉजिटिव ब्लड ऑफ फिटस ये तो चलो ठीक है फिर क्या लिखा है आर एंटीजन ऑफ द फिटस गेट एक्सपोज टू आर नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं ये गलत है एन ने लिखा है कि ये जो ब्लड है पहली प्रेग्नेंसी के दौरान मिक्स नहीं होता है है ना लिखा हुआ है चेक करना इसलिए गलत हो गया हाँ पहली प्रेग्नेंसी के खत्म होने के बाद जब पार्चुरेशन होता है उस दौरान जरूर मिक्स हो जाता है लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसा नहीं होता फिर लिखा है मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड ऑन एक्सपोजर टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एस पॉजिटिव ब्लड बिल्कुल सही है जैसे ही पहली प्रेगनेंसी खत्म होती है बर, पार्चुरेशन होता है तो बच्चे से कुछ आर एस पॉजिटिव आर जो मदर में आ जाती है और मदर इम्यून हो जाती है ये भी ठीक है इसको अवॉइड किया जा सकता है दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बिल्कुल सही है अगर ऐसा कर दिया तो वो सारी आर बी सी न्यूट्रल हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से ये अपने सारे क्वेश्चन जो कम्प्लीट हो चुके हैं है ना अगर डाउट रहे हैं तो बढ़िया से वीडियो को देखने के बाद में एक बार एन सी आर टी को दोबारा से पढ़ें और जो क्वेश्चन गलत में वो आगे गलत नहीं होने चाहिए ठीक है ओके तो नीट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन थर्टी रंद्रीय उपकरण में सम्मिलित है द स्टोमेटल एपरेटस इंक्लूड क्लियर एनसीआर टी में सो कर रखा है रंद्रीय छिद्र द्वार कोशिकाएं और उनको घेरने वाली जो सहायक कोशिकाएं हैं वो किसमें इंक्लूड होती हैं स्टोमेटल एपरेटस तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड स्टोमेटल एपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स वन ये यहां पर आपको मैचिंग करानी है तो यहां अगर हम देखें पोटेशियम पोटेशियम किसमें प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड होता है तो यहां पर आ जाएगा ए का थर्ड मोलीविडनम नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक होता है बोरॉन पराग कणों के अंकुरण से रिलेटेड है तो यहां पर क्या आ जाएगा बी का फिफ्थ और इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड तो देखिए पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है मोलीबिडर किससे है नाइट्रेट रिडक्टेज बोरॉन पराग कणों के यानी कि ग्रेन्स के जर्मिनेशन से रिलेटेड है यहां पर अगर हम ऑक्सीजन के रिलेटेड बात करें तो क्या आ जाएगा जिंक और सल्फर क्या आ जाएगा फेरीड में प्रेजेंट होता है तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 132 किसने प्रिज्म हरा सहाल क्लेडो फोरा और वाइवी जीवाणु का उपयोग करते हुए प्रकाश के फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को शो किया था तो आपके एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है कि ये जो वर्क किया था या प्रैक्टिकल किया था किसने किया था टी डब्ल्यू एंगल मैन ने तो आंसर क्या जाएगा फोर नेक्स्ट 133 थर्टी चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा अणु कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है यानी कि C3 साइकिल में जो CO2 है उससे रिएक्ट कौन करता है तो क्लियर आरयूबीपी यानी कि राइबुलोज बेस फॉस्फेट, आंसर आएगा सेकंड बोल्टिंग है यानी कि बोल्टिंग प्रोसेस के बारे में हमें शो कर शो करना है तो ध्यान रखना बोल्टिंग कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें पर्व का दीर्घीकरण होता है लेकिन पुष्पन से पहले ध्यान रखना नोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लोबरिंग इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वोल्टिंग तो आंसर क्या जाएगा थर्ड नेक्स्ट पौधों की विभिन्न पथों का अनुसरण की क्षमता तथा पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न तरह की संरचनाओं का जो निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो सिंपल एनसीआर ने बता रखा है उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं एबिलिटी ऑफ of टू फॉलो डिफरेंट different pathway टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन response टू environment और phases ऑफ लाइफ इज नोन एज प्लास्टिसिटी ठीक है तो यहाँ हमने डिस्कशन किया 135 क्वेश्चन का